चतुर्वेदी जी हम सब के बीच में आएंगे। और आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं का जोश इस कदर है कि सारी सड़कों पर लाइन लगी हुई है, बोलेरो ही बोलेरो दिख रही है। कहते भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता गाड़ियों में सवार होकर अपने अपने इलाकों से आ रहे हैं और अपने इस पांडाल में अपने अपने स्थान पर बैठे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, थोड़ी गर्मी लग सकती है, थोड़ी प्यास लग सकती है, थोड़ी भूख भी लग सकती है, लेकिन जो भूख हमारी जनता को सेवा करने के लिए हमारे मन में है, उस भूख के आगे ये भूख कुछ नहीं, उस प्यास के आगे कोई प्यास कुछ नहीं है पानी की जो हम महसूस कर रहे हैं इस भरी गर्मी में, इस 45 डिग्री टेम्परेचर में। श्राप दीजिए अशोक गहलोत को कि हम सब के पसीने इस कंपनी बाग में गिरेंगे, इससे तुम्हारी सरकार भस्म हो जाएगी, इसमें कमल का फूल खिलेगा और एक दिन यकीन मानिए इसी कंपनी बाग में जलसा होगा जब अलवर जिले के 11 के 11 विधायक आप सबका सम्मान लेने के लिए मौजूद खड़े होंगे। मैं विश्वास दिला रहा हूँ ये सारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन के कार्यकर्ता जो पन्ना प्रमुख बनाए गए, जो बूथ के अध्यक्ष बनाए, जो शक्ति केंद्रों के समन्वय संयोजक बने, वो सब कार्यकर्ता आज यहाँ पधारेंगे। आप सबसे निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करें। और जैसा मैंने कहा हमारे पूरा संगठन, हमारे जिला अध्यक्ष दोनों बलवान यादव जी अलवर उत्तर के और दक्षिण के संजय नरुका जी पूरे जी जान से व्यवस्थाओं में जुटे हैं। हमारे प्रभारी देहात दक्षिण के विष्णु चेतानी जी, हमारे यहाँ के सब विधायक और चुनाव लड़े हुए लोग, हमारे प्रधान, हमारे जिला पार्षद, हमारे नगर पालिका के पार्षद, चेयरमैन, ये सब लोग जिस तल्लीनता के साथ जुटे हैं, आपने देखा है कि किस कदर सरकार तो नाम की है ही, लेकिन उसके कारण से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ललक वो दुगनी हो गई। और ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा राजस्थान आतुर दिख रहा है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बालक सुरक्षित नहीं है, बालिकाएं सुरक्षित नहीं है, मजदूर सुरक्षित नहीं है, विधायक सुरक्षित नहीं है, सांसद सुरक्षित नहीं है, सब पर हमले हुए हैं। ऐसे कितने प्रकार के हमले हो सकते हैं वो इस सरकार में हुए। हमारी रंजीता कोहली जी पे हमला हो गया, सांसद पे, हमारे विधायक पर हमला हो गया, पूर्व विधायक अमृता मेघवाल पर हमला हो गया, हमारे प्रधान के सर पे लाठियां चली, हमारे सरपंचों को पीटा, हमारे सब तरह के जो अत्याचार हो सकते हैं लोगों पे 12 पीटी के उस पाषाण युग की जैसे इस सरकार में काम हुए। और ऐसी निकम्मी सरकार ना तो पुलिस प्रशासन को काम करने देती है, ना कोई जिला प्रशासन। और जिला प्रशासन, मैंने जैसा निवेदन किया, एक विधायक के कहने पे महादेव जी का मंदिर तोड़ रहे हैं, ऐसा प्रशासन। इसलिए ये सारा जो इनका क्रियाक्रम है, इनका जो कर्म कांड है, वो सारा इनके आड़े आएगा और ये सरकार निश्चित तौर पर धूल दूषित होगी। लेकिन उससे पहले हम कार्यकर्ताओं की जो परीक्षा है वो ये है कि हम निरंतर काम में जुटे रहें। और ये भी जो हमारे कार्यकर्ता इधर से पधारे हैं उनसे निवेदन है कि ये बीच में जो खड़े हैं इधर अपने ब्लॉक्स में बैठ जाएं। भारत माता की, जरा जोरदार जय घोष लगा दीजिए जिससे सबको ध्यान में आ जाए कि कार्यक्रम शुरू हो गया है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मेरी आवाज जहां तक जा रही है वहां तक बहुत सारे कार्यकर्ता चारों तरफ फैले हैं। हर विधानसभा क्षेत्र के बैठने के लिए कार्यकर्ताओं के लिए एक ब्लॉक बना है। मेरा आग्रह है कि जिस विधानसभा से जो कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वो अपने अपने ब्लॉक में अपना स्थान ग्रहण करें। उस विधानसभा से आए हुए पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता, सभी मंडल अध्यक्ष, पार्टी के प्रमुख नेता ये बात सुनिश्चित करें कि उस ब्लॉक में सभी कार्यकर्ता बैठे हैं। ये जो द्वितीय लाइन है इसमें राजस्थान प्रदेश के और अलवर जिले के
पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व जिलाध्यक्ष, ये लोग आसीन होंगे। मोर्चों के प्रदेश के अध्यक्ष आसीन होंगे द्वितीय पंक्ति में, और इसके अतिरिक्त सभी हमारे कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, वो तृतीय पंक्ति में अपना स्थान जो संगठन की व्यवस्था है उसके अनुसार लेंगे। क्योंकि मित्रों, ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का, हम सब कार्यकर्ताओं का है। इसमें हम सबको स्थान कहाँ और कैसे मिलता है, प्रमुखता ये नहीं है। प्रमुखता ये है कि हम सब लोग अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की गरिमा और गौरव को बढ़ाने का काम करेंगे। और किसी भी प्रकार की अगर अव्यवस्था जिलाध्यक्ष जी श्री संजय जी नरुका और हमारे सांसद महोदय श्रीमान बालक नाथ जी के द्वारा पूरी टीम को साथ लेकर जो व्यवस्था बनाई गई है, जिला अध्यक्ष भैरव पुत्र आदरणीय बलवान जी का भी सहयोग है, और सभी मंत्री, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व जिलाध्यक्ष, सभी पार्टियों, पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी और या प्रदेश और राष्ट्रीय कार्य समिति के जो लोग उपस्थित हैं अलवर में, सब लोगों का समान सहयोग है। सब लोगों ने इस व्यवस्था को बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया है। किसी भी प्रकार की त्रुटि उसके बाद भी रह सकती है, मानव स्वभाव किसी भी प्रकार की त्रुटि कर सकता है। मेरा आपसे निवेदन है, जिस प्रकार राजस्थान की सिंगल वार से इस राजस्थान की कल्याणकारी लोकतांत्रिक सरकार, अहंकारी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान इस सिंह द्वार से होने जा रहा है, इसमें हम सब लोगों की शक्ति केवल और केवल अपने क्षेत्रों से संख्या बल लाने, इस राजस्थान की भ्रष्टाचारी निकम्मी नरुका जी किशनगढ़ का ब्लॉक भर गया है ऐसी सूचना है, तो उसमें से आगे जो कुर्सियां हैं वहां तक आने के लिए लोगों को बोल दिया जाए क्या? ये जो किशनगढ़ का ब्लॉक है, सबसे पहले आदरणीय रामेश जी यादव का बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई आपको कि आपका ब्लॉक सबसे पहले भर गया है। किशनगढ़ के और जो बैठे हैं वो वहीं बैठे रहे, जो कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं वो यहीं बैठे रहे, और जो लोग आते हैं उनके लिए अगर स्थान नहीं बचता है तो उनको जहाँ स्थान दिखे उस ब्लॉक में भर जाए। पीछे की तरफ आगे महिलाओं का है, महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में पूरे जिले से आने वाली है, इसलिए जो लोग जहाँ बैठे हैं इसके अतिरिक्त आपको लगे कौन सा ब्लॉक कमजोर है उसमें आप अपनी उपस्थिति से उस ब्लॉक को शक्ति प्रदान करेंगे, उसको ताकत प्रदान करेंगे। जरा बैठने की व्यवस्था को पुनः ध्यान रखें, हमारे कारण से किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो, इस बात की जिम्मेदारी भी हम सब कार्यकर्ताओं की है। केवल स्थान कहाँ मिला ये कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न हमारे लिए नहीं हो। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सतीश पूनिया जी कुछ देर में हमारे बीच पधारने वाले हैं, श्रीमान राजेंद्र राठौड़ जी हमारे बीच में हैं, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी और भजन लाल जी। हमारे, मैं निवेदन करूंगा अलवर दक्षिण के जिला अध्यक्ष संजय नरुका जी से कि वह आए और इस हिलोरे मारती हुई कार्यकर्ताओं की शक्ति को संबोधित करें। श्रीमान संजय नरुका जी, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम मातरम, मातरम मातरम। आज की इस हुंकार, जन हुंकार रैली में भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी पूनिया साहब और राजस्थान के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में और लगातार विधानसभा में विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में और जन आंदोलनों के रूप में काम करते रहे आदरणीय मेरे बड़े भाई राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब और हमारे यहाँ के अलवर के लोकप्रिय सांसद, राष्ट्रीय संत माननीय महंत बालक नाथ जी,
भारतीय जनता पार्टी के उत्तर जिले से के अध्यक्ष आदरणीय बलवान सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अरुण जी चतुर्वेदी जी साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिले प्रांत के महामंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के महामंत्री आदरणीय मदन जी दिलावर साहब, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री रहे आदरणीय हेम सिंह जी बड़ाना साहब, सम्मानित मंच, आज की ये जन हुकार रैली में आए हुए मेरे भारतीय जनता पार्टी के सभी निष्ठावान और दायित्ववान कार्यकर्ता बंधुओं और देवतुल्य जनता जो आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आई है और राजस्थान के इस काले राज में जिसमें ना बच्चियां सुरक्षित हैं, ना माता बहनें सुरक्षित हैं, ना युवाओं को रोजगार है, ना किसानों को ऋण है, ना किसानों को बिजली है, ना शहर में पानी है, इन तमाम समस्याओं से जूझ रहा ऐसा अलवर, वह अलवर जो कि अपराध का एक हब बन चुका है, ऐसे अपराध के हब को राजस्थान के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी ने और शीर्ष नेतृत्व ने यह बहुत अच्छी शुरुआत की है कि इस पूरे राजस्थान की शुरुआत अलवर से की है। वह अलवर जहां पर 300 साल पुराने मंदिरों को तोड़ा जाए, वह अलवर जहां बच्चियों से सामूहिक बलात्कार किया जाए, वह अलवर जहां मंत्री स्वयं कह रही हो अपनी वायरल मीडिया में कि आप खनन का अवैध खनन करिए, रेवेन्यू के रमन्ने मत कटवाइए, और एक ऐसे पूर्व मंत्री भी हैं जिन्होंने ये कहा कि माननीय हमारे तिजारा के पूर्व मंत्री जो रहे उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि हमारे समय में तो पुलिस पिटा करती थी और अपराधी स्वतंत्र घूमते थे। ऐसे सारे ऑडियो आप सबके सामने उजागर हुए हैं। हमारे यहाँ अभी हाल ही में जो जोधपुर में अभी जो घटना हुई है उसमें हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि वो जो टोपी लगा के जो लोग दिख रहे थे वो शांति दूत थे, वो आरएसएस के लोग थे, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ भाइयों कि आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब कृपा करके जो बयान दें वह कम से कम सोच समझ के तो दें। आदरणीय राहुल जी की तरह तो मत जाइए आप भी, आपसे राजस्थान की जनता को ये उम्मीद नहीं है। आप कम से कम आप सुशासन की बात करते हैं। मैं आपके माध्यम में आपको कहना चाहता हूं कि ये हुकार रैली अगर ये अपराध इस तरह से ही चलते रहे तो ये खूंखार रैली में बदल भी सकती है। आपको मेरा आग्रह आपसे कि किसी भी तरह से इसको खूंखार होने के लिए मजबूर मत करिए जनता को, राजस्थान की जनता का सब्र का आप इम्तिहान ना लीजिए। अदरवाइज ये जनता आपको निश्चित रूप से उखाड़ तो फेंकेगी, लेकिन जिन अधिकारियों को जो आपकी शांति दूत थे वहाँ पुलिस वालों को पीट रहे हैं, वहाँ जनता को लूट रहे हैं और आप हमारी भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों को बदनाम करना चाहते हैं। आपके वह लोग, आपके वह विधायक जिनका आपको संरक्षण है, उनके बच्चे गरीब नाबालिग बच्चियों से बलात्कार कर रहे हैं और उनको छुड़ाने के लिए आप अतिक्रमण के नाम पर वाजिब जिन लोगों के मकान है उनको तुड़वा रहे हैं। ऐसे अनेकों अनेक पूरे देश पूरे राजस्थान भर में जिस तरह का काम चल रहा है, आप सालासर के मंदिर में जो बड़ा गेट जो बना हुआ था उसमें राम दरबार है, आप उसको जेसीबी से तुड़वा रहे हो। आप निश्चित रूप से हिंदुओं की एक परीक्षा ले रहे हो आदरणीय गहलोत जी। मेरा केवल इस मंच के माध्यम से आपसे आग्रह है कि ये अभी तो हुंकार रैली है और अन्यथा ये खूंखार रैली भी हो जाएगी। आप सबने अब यहाँ पर आए सबका मैं स्वागत भी करता हूँ और मैं आपसे आग्रह भी करता हूँ कृपया करके सहयोग करें। और दूसरी बात यह भी है कि आप सबको कोई किसी भी तरह की तकलीफ होगी उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, हाथ जोड़ के मैं आपसे विनती करता हूँ कृपया करके आप सब सहयोग करेंगे। आप सब यहाँ आए उसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद जय भारत। जितने भी पंडाल में लोग बैठे हैं ये हुंकार रैली है। मेरा सबसे आग्रह है कि जोरदार जयकारा बोलेंगे, बोल भारत माता की, सबके मुट्ठी भींच के जोरदार तरीके से भारत माता की। अलवर की इस
होकर रैली में हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जो जलद पधारने वाले हैं डॉक्टर सतीश पूनिया जी, हमारे विधानसभा प्रतिपक्ष के बहुत जुझारू, हमेशा पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से राजस्थान की राजनीति में अग्रिम पंक्ति में खड़े रहने वाले आदरणीय बड़े भाई श्री राजेंद्र राठौड़ जी, हमारे यशस्वी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी, हमारे अलवर के लोकप्रिय सांसद महंत बालकनाथ योगी जी, प्रदेश के महामंत्री आदरणीय श्री भजनलाल शर्मा जी, हमारे दोनों जिलों के प्रभारी आदरणीय मनीष जी, आदरणीय चेतानी जी, और मेरे से पूर्व आपको भाषण दे रहे जिला दक्षिण के जिला अध्यक्ष आदरणीय संजय नरुका जी यहाँ मंच पे विराजमान, दोनों हमारे विधायक आदरणीय संजय जी, आदरणीय मंजीत जी, पूर्व विधायक रामहेश जी, मामन मास्टर जी, बनवारीलाल सिंगल जी, मेरे से कहा जा रहा अति सम्माननीय मंच और मेरे सामने बैठे सभी कार्यकर्ता बंधुओं, मुझे कहा कि 2 मिनट बोलना है, मैं तो 1 ही मिनट बोलना चाहता हूं कि राजस्थान की इस आंधी बहरी गूंगी सरकार जो बिजली दे ना सके, जो पानी दे ना सके, जो सड़कें बनवा ना सके, ये जन विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार, मैं कहता हूं कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न, बेरोजगारों के साथ अन्याय और किसानों के साथ धोखा करने वाली ऐसी सरकार को आज सिंह द्वार की तरफ से, हमारे जिला अलवर की तरफ से पूरे राजस्थान में शुभारंभ होने वाली सूखा रैली के माध्यम से 2023 में सूखा फेंकने का आज कार्य शुभारंभ किया जा रहा है। यहाँ से मैं आज आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि यहाँ पर बांसूर, बहरोड, मुंडावार, किशनगढ़, तिजारा, ग्रामीण, शहर, रामगढ़, राजगढ़, कठुम्बा, थानागाजी, 11 विधानसभाओं के कार्यकर्ता यहाँ पधारे हैं। आप गाड़ियों की व्यवस्था, आप आने जाने की व्यवस्था, मैं कहता हूँ कार्यकर्ताओं को नोटा देने की कमी थी, इस कांग्रेस के खिलाफ जब जन विरोध खड़ा हो रहा है, इन्होंने जो महिलाओं के साथ पूरे राजस्थान को बदनाम किया है कि महिलाओं के साथ जो अन्याय, जो बलात्कार, महिला के साथ बलात्कार, बच्चों के साथ दुष्कर्म, इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। पिछले दिनों राजगढ़ के अंदर हमारे 300 साल पुराने 3 मंदिरों को तोड़ दिया गया, मूर्तियों को खंडित कर दिया गया, बांसूर में 5-5 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म होता है, 7 दिन पहले 15 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म होता है, कंकालों की इनसे जात नहीं होती है, अलवर में मुख मदिर बच्चे को आज तक ये न्याय नहीं दे सके हैं, और तो और भ्रष्टाचार का नमूना इस अलवर में देखने को मिला, यहाँ के IAS और RES भी भ्रष्टाचार में जेल की सलाखों के भीतर जा रहे हैं। ऐसी है कांग्रेस सरकार, इस सरकार को खाट फेंकने के लिए आज सब लोग, मैं ज्यादा लंबा समय नहीं बोल के जोरदार तरीके से आह्वान करना चाहते हैं कि अशोक गहलोत, बिजली, पानी, सड़कों की व्यवस्था कर दो, वरना ये भारतीय जनता पार्टी आ रही, गद्दी खाली कर दो, गद्दी खाली कर दो, गद्दी खाली कर दो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। मेरे को 3 मिनट दिए हैं, मैं इतना ही कहूंगा, 3 मिनट क्या, मैं तो 10 सेकंड बोलूंगा, भारत माता की जय, जो नहीं बोले उसको लखत दे, फिर सुन ले, भारत माता की जय, जो नहीं बोले उसको लखत दे, और नहीं कौन नहीं बोलते आप जानते हो, भारत की माता की जय नहीं कौन नहीं बोलते हो, और वो आप सब जानते हो, मैं कहने की जरूरत नहीं है, ये जोधपुर में दंगा करने वाले, ये राजगढ़ में मंदिर तोड़ने वाले, ये
नागौर में गुंडागर्दी करने वाले, ये हनुमानगढ़ में गुंडागर्दी करने वाले, ये सबको हम जानते हैं, हम जानते हैं ये करौली में दंगा करने वाले, इन दंगाइयों को जानते हैं। पर मेरा मुसलमानों से विरोध नहीं है, मैं नहीं बात कहूंगा पत्रकार बंधुओं, ये मुसलमानों से हमारा विरोध नहीं है, ये मुसलमानों ने तो हमारे ऊपर राज नहीं किया, इनको बंगाल से, बिहार से, यूपी से मौलाना मौलवी आके कहते हैं कि हमने 700 साल राज किया। अरे तुमने राज किया 700 साल? तुम मुसलमानों ने राज किया मुगलों ने, तुगलकों ने, कुतुब ने, ऐबक ने, गुलाम वंश ने, गौरी वंश ने। अरे तुम्हारे तो बाप दादाओं को मार मार के मुसलमान बनाया गया, तुम्हारे तो बहन बेटियों और माताओं बहनों को और दुष्कर्म किया गया, तब तुम मुसलमान बने। तुम मुसलमानों ने राज नहीं किया, तुम मुसलमान हमारे भाई हो, तुम हिंदुओं से कन्वर्ट हो, तुम हमारे हिंदू भाई हो, आज नहीं तो कल छट जाएंगे ये बादल, तुम मेवों को मुसलमानों को हिंदू बनना ही पड़ेगा, तुम हमारे भाई हो, तुम्हारी बहनें हमारी बहनें हैं, तुम्हारी माताएं हमारी माताएं हैं, तुम्हारी बेटियां हमारी बेटियां हैं। इसलिए मेरे हिंदू भाइयों, कन्वर्ट जो मुसलमान हो गए, तुम्हारे ऊपर तो मुगलों ने, तुगलकों ने, कुतुब ने, गौरी और गजनवी ने हमले किए, तुम्हारे बाप दादाओं को हमले किए, तुमको तो स्वाभिमान के साथ सारे मेव मुसलमानों को हिंदू हो जाना चाहिए, तुम हमारे हिंदू भाइयों, कन्वर्ट भाइयों। इसलिए फिर एक बार बोल करके भारत माता की जय, सुनिए भारत माता की जय, जो बोले ठीक है नहीं तो उसको लट दे, भारत माता की जय, जो नहीं बोले उसको लट दे, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। आज राजस्थान के सिंहद्वार अलवर इस पावन भूमि पर, बाबा भरतरी की इस पावन भूमि पर भारतीय जनता पार्टी की उग्र रैली में हमारे राजस्थान की शान और मान और हमारे मुख्य आकर्षक भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और प्रतिपक्ष के विधानसभा के नेता परम सम्मानीय राजेंद्र राठौड़ जी महाराज के चरणों में नमन और सभी सम्मानित बने, और बाहर से क्षेत्र से पूरे जिले से आए हुए सभी सम्मानीय बुजुर्गों, नौजवान मित्रों, माता और बहनों, पत्रकार बंधुओं, आज अलवर जिले में 3 साल से जब तक गहलोत जी सरकार बनी है तब से चाहे महिलाओं का उत्पीड़न हो, चाहे मंदिरों की तोड़फोड़ हो, चाहे राजगढ़ का कांड हो, आज हाल में अभी जोधपुर का कांड हो, बेरोजगारी के नौकरियों का रीट का इनका काम हो, कोई बेरोजगार को रोजगार नहीं दिया गया, और सबसे जो मुख्य है वो पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार का मुद्दा, आदरणीय गहलोत जी ने पूरे जितने भी इनके विधायक हैं, चाहे वो समर्थन के विधायक हैं और चाहे वो कांग्रेस के विधायक हैं, चाहे बसपा के विधायक हैं, उनको भ्रष्टाचार की खुली छूट दे रखी है और कह रखा है कि ये तुम अपने क्षेत्र के मुख्यमंत्री हो। अधिकारी हमारे जो प्रशासन शासन में और जो ब्यूरोक्रेसी है वो लाचार है, ऐसे कितने उदाहरण है, आईटीओ इस्टे दे देता है और पैसे की व्यवस्था विधायक से होने के बाद दूसरे दिन वो इस्टे खोल दिया जाता है। इतना नंगा नाच हर क्षेत्र में, विशेषकर तिजारा में, कितने ही रोज 10 दिन में 15 दिन में एक भ्रष्टाचार ब्यूरो एक ने एक अधिकारी को पकड़ दिया। अभी हाल ही में 8 लाख रुपए 7.5 लाख नगर पालिका के कर्मचारी का पकड़ा गया, उसका मुंह भी उधर ही था जहाँ पर नेता लोग रहते हैं, वो गाड़ी चौराहे पर पकड़ी गई। इसी तरह से अब राजगढ़ में मंदिर का मामला, इसमें कितना तोड़ दिया गया, मूर्तियों का खंडित किया गया, अपमान किया गया, तो इनका काम केवल में अब 3 मिनट मिला है, 3 मिनट में बोलना कुछ नहीं। हमारे प्रदेश से जो नेता कन्वर्ट आएंगे वो आप सारी बात कर, मैं सिर्फ 2 बात कहना चाह रहा हूँ कि राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार ने केवल 2 ही काम कर रहे हैं, एक तो तुष्टिकरण, अल्लाह अकबर को राजी करना, इनको अल्लाह अकबर छे और ये काम कर रहे हैं, एक तो ये जो रोजाना कभी मंदिरों में कभी मजार में जा रहे हैं, और दूसरा ये विधायकों को
बहला के रखना, डाका मारो, चोरी करो, लेकिन मेरा गहलोत का समर्थन करो। ये दो काम गहलोत सरकार के आज इस मंच के माध्यम से हम चेतावनी देते हैं आपको। हमारे वरिष्ठ नेता सारी बातें हम करेंगे कि या तो सुधर जाइए। अलवर जिले की जनता बहुत ही बहादुर है। जब भी 2013 के चुनाव में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली रैली अलवर में की थी सिंह द्वार पर, और उससे भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस की किस सीट केवल छोड़ी और भ्रष्टाचार और ये तुष्टिकरण की नीति अकबर अल्लाह को इनको राजी रखने का तुष्टिकरण किया गया, तो 20 और हट जाएगी, 2 का हट के ये सीट रह जाएगी। ये मेरा दावा है और आप सभी कार्यकर्ता जो यहाँ पर पधारे उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश से और हमारे सभी नेतागण मंच पर यहाँ पर पधारे, हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, पूरी जनता अलवर की तरफ से और विशेषकर तिजारा की जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार धन्यवाद। आप सभी को ये बात सुनी और ये की बात याद रख है, आप सभी नारा लगा देंगे, बस बोलने देना रहा भाई। ये कुर्सियां आप आगे सरकार के सब लोग ले आए, ये ठीक नहीं है। कुर्सी आगे मत लाओ, उठा ठाके आप सबसे आगे, कुर्सी आगे ठाके मत लाओ, जहाँ है वही बैठे। बात तो बहुत करनी थी लेकिन समय का अभाव है। हमारे वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर काफी मौजूद हैं, वो अपने आप ही हमको बताने बोल रहे थे, तो आप सभी से को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय बाबा भर्तरी की, बाबा मोहन राम की, जय हिंद। हमारे अपना स्थान ग्रहण करें संजय शर्मा जी, हमारे लोकप्रिय विधायक। मैं निवेदन करूंगा मंच पर पधारे, आपकी कुर्सी रखी हुई है और जब कार्यकर्ता आपको मंच से प्रेम करते हैं, और सभी हमारे जो ये 3 दिन से यहाँ पर मीडिया के लिए काम कर रहे हैं हमारे प्रदेश के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत जी भारद्वाज से निवेदन करूंगा कि आप यहाँ पे कुछ उत्साहित बात कहें। लक्ष्मीकांत जी भारद्वाज, बोलो भारत माता की, भारत माता की। मैं भाषण नहीं दूंगा, मैं तो कुछ नारे लगा के बैठ जाऊंगा, आप लोगों को साथ साथ नारे लगाने हैं। युवा विरोधी सरकार हो बर्बाद, महिला विरोधी सरकार हो बर्बाद, किसान विरोधी सरकार हो बर्बाद, भ्रष्टाचारी सरकार हो बर्बाद, हिंदू विरोधी सरकार हो बर्बाद, अशोक गहलोत की नेतृत्व वाली सरकार हो बर्बाद, हिंदू विरोधी सरकार हो बर्बाद, भ्रष्टाचारी सरकार हो बर्बाद, चोर जुल्म की टक्कर में पीछे तक नारा लगाओ भैया, हम विरोध प्रदर्शन करने आए सरकार के खिलाफ। चोर जुल्म की टक्कर में, चोर जुल्म की टक्कर में अशोक गहलोत की सरकार हो बर्बाद, हिंदू विरोधी सरकार हो बर्बाद, मूर्ति तोड़ने वाली सरकार हो बर्बाद, ट्रील से शिव मंदिर तोड़ने वाली सरकार हो बर्बाद, बुलडोजर से मंडी ढाने वाली सरकार हो बर्बाद, अशोक गहलोत गद्दी छोड़ो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। धन्यवाद। हमारे अगले वक्ता के रूप में मैं जयराम जाटव जी को आमंत्रित करूंगा, पूर्व विधायक हमारे अलवर से, और आप जयराम जाटव जी संबोधन करें, मंच को सीधा सम्माननीय मंच संबोधित कर दें, सबके नाम ना लें। भारतीय जनता पार्टी अलवर उत्तर और दक्षिण के दोनों आदरणीय जिलाध्यक्ष साहब मंच पर विराजमान, प्रदेश से हमारे बहुत वरिष्ठ पूर्व मंत्री, हमारे वरिष्ठ विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता राठौर साहब, अरुण जी चतुर्वेदी, हमारे सांसद बालकनाथ जी,
क्योंकि टाइम कम किया जा रहा है। हमारे दोनों लाडले विधायक शहर और मनावर और सारे मंच पर विराजमान पूर्व विधायक, मंच पर प्रदेश से आए सभी संचालनकर्ता पारित्री, दूर दराज से अलवर जिले से जन हुंकार रैली के रूप में अलवर जिले से दूर दराज से पधारे हुए सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, मुझे दो मिनट का टाइम दिया गया है। मैं मंच से क्षमा प्रार्थी हूँ, दाई और बाई और ये सीढ़ियों के ऊपर जो लोग खड़े फिर शांति बनाए रखें। मैं सबसे पहले तो अलवर जिले की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इस तपती 45 डिग्री के तापमान में अलवर जिले के कंपनी भाग में यहाँ हजारों की संख्या में पहुँच कर राजस्थान की निकम्मी बैरी और गूंगी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने आए। मैं मंच के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ, इसे 2018 में राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए थे, राजस्थान में 200 गहलोत की सरकार है, इसके नेतृत्व में चुनाव हुए थे, जिनको अशोक गहलोत मैं नहीं कहता हूँ, मैं तो इनको बांके बिहारी कहता हूँ। ये बांके बिहारी है, मालाखेड़ा में जब इनका राष्ट्रीय महामंत्री जिनको राहुल गांधी कहा जाता है, इन्होंने घोषणा की थी किसानों का कर्जा माफ करूंगा, एक से लगाकर 10 तक गिनती के लिए कहा था 10 तक गिनती गिनो और कर्जा माफ हो जाएगा। किसी का कर्जा माफ हुआ भाई ये बताइए? कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। आए दिन हमारे अलवर शहर में नहीं, अलवर जिले के गांव गांव में पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। अभी विधानसभा के सत्र राठौड़ साहब, संजय शर्मा जी और भाई मनीष जी चौधरी, आपको मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। विधानसभा में आप लोगों ने पानी की आवाज अलवर जिले के लिए उठाई थी, राजस्थान की गूंगी बहरी सरकार ने, अशोक गहलोत ने, यहाँ के मंत्रियों ने कहा हम जोधपुर से और सवाई माधोपुर के पांचना बांध से पानी लाएंगे। आगे अब पांचना बांध का इन्होंने डीपीआर बनाने की बात कही। मैं कहता हूँ मंच के माध्यम से, 3.5 साल नहीं 4 साल इस गूंगी बहरी सरकार का निकल गया। आए दिन भ्रष्टाचार, आए दिन एसीबी के छापे मारे जाते हैं, आईएस पकड़े जाते हैं, आरएस पकड़े जाते हैं, आपके नगर परिषद का चेयरमैन पकड़ा जाता है, वाइस चेयरमैन पकड़ा जाता है, प्रतिपक्ष का नेता भी कांग्रेस का पकड़ा जाता है, और वो मीडिया आपके मोबाइल से कहते हैं इसमें नेताओं का भी हाथ है, इनमें हिस्सा है, और से नेता का हिस्सा है, यहाँ के मंत्री के भाई का हिस्सा है, मंत्री का हिस्सा है। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ की सरकार भ्रष्ट सरकार है, ऐसी सरकार को ये हुंकार रैली, ये हुंकार रैली नहीं है, ये जनता की फुंकार जाएगी, और ये जनता की फुंकार राजस्थान की गहलोत निकम्मी सरकार उखड़ के चली जाएगी। मैं आप सबके जितने हमारे प्रदेश के नेता आए हैं अलवर जिले में पधारे, इनका तो आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये आए दिन यहाँ आकर के अलवर से यह हुंकार रैली की शुरुआत हुई है, राजस्थान में ये सिंह द्वार है। साथियों आप लोगों से प्रार्थना है कि आज का दिन तय कर ले, आज की तारीख तय कर ले, 5 मई जब तक नहीं बैठेंगे, जब तक ये बांके बिहारी है राजस्थान से पलट के गिर नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, आज हुंकार रैली में हमारे अभी कुछ क्षणों में आने वाले प्रदेश अध्यक्ष जी डॉक्टर सतीश पूनिया जी और हमारे विधानसभा में डालने वाले एक वरिष्ठ नेता माननीय राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री जी अरुण सिंह जी और मंच बाबा बालकनाथ जी, आप सब सम्मानित मंच और पंडाल में विराजमान मेरे पूजा योग बुजुर्गों, युवा साथियों, प्यारे भाइयों, पूजा योग माता और बहनों, अभी पूर्व वक्ताओं ने सारी बात आपके सामने बताई और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस गहलोत सरकार ने 10 गिनती गिनके और युवाओं को झूठा आश्वासन देके अब इन्होंने जो गद्दी प्राप्त की थी उस गद्दी में हाहाकार जो मच रहा है और जो
अभी मंदिरों को नहीं छोड़ा जा रहा, कहीं कोई शांति से कोई प्रोग्राम किया जाता है उसमें हिंसा की जाती है, और एक हमारे मुख महिला वहीं पे अपना हमारे जो ये सरकार हमें सभी 3600 कौमों को बेवकूफ बना करके बैठी है, आज इस तरह का हाहाकार मच रहा है कि कहाँ मूक लड़की के साथ अन्याय नहीं होना, कहाँ हमारे 300 साल पुराने मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, और कहाँ बहुत सारे हिंसक करौली में, जोधपुर में, और मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि मेरे कठुमन में भी सौकर में एक सौकर का एक राजपूतों का लड़का जिसका मर्डर हुआ, और मर्डर के बाद में आधे घंटे बाद उसका ट्रैक्टर और ट्रोली तो बरामद कर ली, मगर उसके बाद में मुलजिम को आज तक नहीं पकड़ रहे। ये इस तरह की जो अन्याय और जिस तरह से जनता के साथ ये फिरवार हो रहा है, ये हुंकार रैली आज यही संकेत है कि अब अनुरोध से जो शुरुआत हो रही है, अब राजस्थान जब तक चुप नहीं बैठेगा, जब गहलोत साहब जब तक राजस्थान की सभी समस्याओं का समाधान और आप झूठ बोल के आए उन वादों को पूरा करेंगे तभी, और यह आपकी कुर्सी को आप हटा कुर्सी को छोड़े, और हमारे भारतीय जनता पार्टी निश्चित जनता को लाभ देगी। आप पे ये कार्य नहीं हो रहा। जय हिंद, जय भारत माता, भारत माता की, भारत माता की, राम राम सर। पूर्व मंत्री भड़ाना जी से मैं निवेदन करूंगा कि आए और संबोधित करें, जो मंच पर पीछे अनुपेक्षित है हमारे महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष, हमारे संसद मोर्चा के अध्यक्ष यहाँ आ गए हैं, उनको बैठने के लिए सभी निवेदन करूंगा। भड़ाना जी फायदा नहीं हुए, फील्ड में जाकर मेहनत करते हैं, जब होता है सब उठाई गए। आज मैं बैठ जाऊं, आप सब सारे बैठ जाओ, आज मंच कम चुप रह जाओ, सुन सरपसड़ होती है और बोलेंगे तो मैं शांत हो जाओ, बोलूंगा आप हमसे क्यों कर रहा, आप मेरे बॉस थोड़ी होगी, आप कह रहा हूँ आपका अधिकार क्षेत्र आप आए जब बोल रहा। आज भारतीय जनता पार्टी इस हुंकार रैली के अंदर मंचा से उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष के रूप में सम्माननीय राजेंद्र जी राठौड़, और हमारे पूर्व प्रदेशक सम्माननीय अरुण चतुर्वेदी जी, हमारे शहर के विधायक माननीय संजय शर्मा जी, किशनगढ़ से पूर्व विधायक सम्माननीय रामवेद यादव जी, पूर्व विधायक सम्माननीय बनवारीलाल सिंघल जी, पूर्व विधायक जयराम जाटव जी, मंगल राम कोड़ी जी, महेंद्र जी यादव जी, हमारे दोनों प्रभारी मनीष जी पारिक और पूर्व विधायक पप्पर शेर पीछे से बोल रहे ज्ञानदेव आहूजा जी, विष्णु चेतानी जी, हमारे दोनों ऊर्जावान जिलाध्यक्ष सम्मान्य संजय दरुका जी, सम्मान्य बलवान यादव जी, भाई संदीप दायवा जी, भाई मोहित यादव जी, और हमारे लाडले लोकप्रिय विधायक सबसे छोटे नौ जिले के राजस्थान में नहीं कहता हूँ, और मेरे भतीजे लगा लो आप सम्मान्य मंजीत चौधरी जी, और हमारे परम श्रद्धे जो पूरा इस पांडाल का सारा का सबका वर्चस्व जिन पर है,
मेरी निगाह बाजू पड़ी, इसमें माफी चाहूंगा। हमारे परम पूज्य मठाधीश और सबके जन जन के चहेते सांसद सम्मान बालक दास जी महाराज और मैं तुमका नाम लेने में समय निकाल दूंगा। आज इस कंपनी बाग के एक ऐसी जगह पर या तुम्हारा जी आपके चुनाव के अंदर महंत योगी जी आए थे तब हमने सभा में हुंकार भरी थी या आज इस सभा में हुंकार भरने भारतीय जनता पार्टी अलवर जिले के कोने कोने से व्यक्ति आकर के लाठी लेकर आया है कि कहले तू बाहर निकल, 3.5 साल के अंदर तेरी गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बैठा है। महिला बलात्कार, आए दिन चोरी, मंदिरों की तोड़ी, VCR भरना, फॉरेस्ट एक्ट लगाना, ये सारे नियम इन 3.5 साल में हुए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। एक भी किसी भी फॉरेस्ट की, एक भी किसी बिजली कर्मचारी की किसान के घर में जाकर के VCR भरने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी, लेकिन निरंकुश ये लाचार और ये बेबस मुख्यमंत्री जो बहुजन समाजवादी और निर्दलियों के दम पर सरकार चला रहा है, एक महीने तक पूरी सरकार होटलों में कैद रही। क्या हो रहा है मंच में? एक महीने तक पूरी सरकार होटलों में कैद रही और गहलोत ने कहा कि मेरी कुर्सी बचा दो चाहे कुछ भी कुर्बानी ले लो। आज जो करप्शन देखने को मिल रहा है, ये सचिन पायलट गहलोत की लड़ाई के अंदर राजस्थान की आवाम, राजस्थान का किसान, राजस्थान का व्यापारी, राजस्थान का मजदूर कुचला जा रहा है। इसलिए गहलोत ये तोतड़े गूंगे बहरे की सरकार कान खोलकर सुन लो, आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी हमें 3.5 साल के अंदर इसके द्वारा किए हुए कुकृत को उजागर करेंगे। और ये कांग्रेस कह रहे ना कि कांग्रेस कांग्रेस चिंतन शिविर, मंथन शिविर, प्रशिक्षण शिविर काय का शिविर नहीं है, पैसे बटोरने का शिविर लगाने का काम कर रहे हैं। आज 3.5 घंटे शहर में कटौती, 10-10 घंटे गांव में कटौती और जब से हुंकार रैली का राठौर साहब चतुर्वेदी जी जब से इस रैली का आयोजन किया है एक भी मिनट बिजली नहीं जा रही। गहलोत जी इतने डर गए आज तो नहीं जा रही बिजली, तो ये कांग्रेस सरकार है ये भाईचारे की नहीं है, ये आराम से मानने वाले नहीं है, ये इनके तू नहीं अगर जो कान पकड़ कर उठाने का काम इस राजस्थान की जनता करने जा रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय सतीश जी पूनिया जी पूरे राजस्थान के अंदर कोने कोने में दौरा कर रहे हैं। आज हम हर कार्यकर्ता कह रहा है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सारी जनता तैयार खड़ी है। और मैं कहना चाहता हूँ इस बात समर्थन होगा, इस बार कांग्रेस के विधायकों की वोट मांगने की तो कहता नहीं, इनकी जमानत जब्त होगी, होगी कि नहीं होगी। आज कहते हैं 2-2 मंत्री बना दिए, यहीं का मंत्री के लिए इन्हीं की पार्टी के 2-2 विधायक कहते हैं कि सबसे भ्रष्ट मंत्री को प्रमोशन दे दिया। एक मंत्री वो है जो जाने क्षेत्र में जान से अपना मनोबल तोड़ चुके हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से इन भ्रष्ट मंत्रियों की, इन कांग्रेसियों की और ये अड़ंगे से जीत कर आए हाथी के ऊपर और बैठ रहे हैं यहाँ पर हाथ के ऊपर, इनको हाथी से हाथ नहीं, इनको धरती में लपेटने का मिटाने का काम इस राजस्थान और अलवर जिले की जनता करेगी। आज हुंकार रैली का आयोजन अलवर जिले के सिंह द्वार से हुआ है, निश्चित रूप से प्रेरण करके जाए कि गहलोत सरकार को खाड़ फेंकने का काम करेंगे, फेंकेंगे सारे के सारे लोग। आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए, पूरे जिले के कोने कोने से आए, अपने अपने नेताओं के भारतीय जनता पार्टी का जयकार लगाते हुए आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, जय हिंद, जय भारत। हमारे प्रदेश महामंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब हमारे बीच में है। मैं चाहूंगा कि जो सब जगह पर से पधारे हैं, सब मंडलों से लोग कार्यकर्ता आए हैं, उनको संबोधित करें श्रीमान भजनलाल जी शर्मा साहब।
भारत माता की इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, कम से कम ये आवाज राजस्थान के उस गूंगे भोरे मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज की इस जनहुंकार रैली में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता सम्माननीय राजेंद्र राठौड़ जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय अरुण चतुर्वेदी जी मंच पर विराजमान, सभी नेतागण और गांव गांव ढाणी ढाणी से अलवर क्षेत्र से आए सभी कार्यकर्ता बंधुओं भाई और बहनों, इस जनहुंकार रैली आज से अलवर की रैली राजस्थान में इस कांग्रेस की गूंगी भैरी सरकार को सबक सिखाने के लिए रैली आयोजित की गई है। जिस तरह से आपने देखा होगा यह सरकार जिन वादों को लेकर के आई थी उनको तो पूरा किया नहीं, लेकिन राजस्थान की जनता जिस तरह से त्रस्त है, गांव गांव ढाणी ढाणी में जिस तरह से एक एक व्यक्ति इस सरकार से परेशान है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी हो, हमारी बहन बेटी बाहर नहीं निकल सकती, कोई सभ्य आदमी किसी ऑफिस में जा नहीं सकता, ऑफिसों में उनके धक्के मिलते हैं, और इस सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो उनके कान पर चूड़ी रेंगती, और मुख्यमंत्री साहब ऐसी क्या लाचारी है, आप जनसेवक हैं, जनता की सेवा के लिए इस राजस्थान की जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जो उन विधायकों से आपसे इतने डरे हुए हो कि उन विधायकों का उस विधानसभा की जो कांग्रेस के विधायक है उनको आपने मुख्यमंत्री बना दिया। वहां का एक भी काम ऐसा नहीं है जो बिना विधायक के कहने से हो जाए, इस नौकरशाही का क्या फायदा है, लोग इस कार्यपालिका पर कैसे विश्वास करेंगे जब आपके जनप्रतिनिधि किसी अधिकारी को काम नहीं करने देंगे। मित्रों में तो दो तीन बात कहकर के अपनी बात पूरी करूंगा। आज ही मैं जब मैंने देखा, मैं अलवर का पेपर पढ़ रहा था, उसमें तीन चार बातें आज के पेपर में ही हैं, वो तो सिर्फ एक जिला अलवर है, और अलवर की घटनाओं की बात करूं मैं, चाहे योगेश जाटव की घटना हो, हरीश जाटव की घटना हो, और राजगढ़ में आपने देखा एक आस्था का मंदिर जो 300 सालों का मंदिर था उसको ढाया गया है, कितनी बड़ी बेइज्जती की गई है, और जोधपुर की घटना लगातार आपने देखी होगी विस्तार से, माननीय राठौर साहब और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आपको बताएंगे। मित्रों यह जनता जो सरकार को लाती है, आज वो जनता खून के आंसू रो रही है, जनता की आंखों में ये आंसू है कि जिसको लेकर के आई थी उसका तो बात ही छोड़िए, लेकिन जनता पूरी तरह से परेशान है। गहलोत साहब इस तुष्टिकरण की नीति से काम चलने वाला नहीं है, जब जनता वोट देती है तो राजस्थान में आपका दायित्व बनता है, एक एक व्यक्ति के ऊपर दायित्व बनता है, क्योंकि आप राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, किसी एक किसी जाति के या किसी एक धर्म के मुख्यमंत्री नहीं है, आपको यह शर्म आनी चाहिए। और जिस तरह से आपका गृह जिले चल रहा है, गृह जिला आपका चल रहा है और आप वे नहीं वहां, और आप जन्मदिन मना रहे हैं, निश्चित रूप से ये जनहुंकार रैली इन सारी बातों को जवाब देने के लिए है। आने वाले समय में राजस्थान की जनता आपको जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा हो गया है, क्योंकि हम विपक्ष में होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि जनविरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का भी काम करना है, और जनता के बीच में जाकर के जन जागरण का काम भी करना है। इसलिए जनहुंकार रैली के माध्यम से आप सभी कार्यकर्ताओं से, आए हुए गांव गांव ढाणी के कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, कि इस सरकार को जवाब देने के लिए हर समय हम सबको तैयार रहना होगा, चाहे वो मंडल में हो, चाहे उपखंड पर हो, या जिले पे हो, या मेरे गांव में हो, मेरे बाड़ में हो, किसी भी तरह की अगर समस्या होती है
तो जनता एकत्र होकर के उस समस्या को समाधान के लिए, अगर जनप्रतिनिधि नीति होती है उसके विरोध के लिए हम सबको खड़ा रहना है। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आप इस तपती दोपहरी में इतनी बड़ी संख्या में हमारे अलवर जिले के डाणी डाणी गांव गांव से दूर दराज से आए सभी कार्यकर्ताओं को, मैं इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं राजस्थान भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भजनलाल जी। भाई साहब, भजनलाल जी ने पूरे प्रदेश में प्रवास किया है और ये सब कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत नाम से पहचानते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सतीश पूनिया जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा कि नारे लगा के उनका स्वागत करेंगे और राजस्थान की ताकत अलवर जिले से परिलक्षित करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। सतीश पूनिया जी हमारे बीच में आ गए हैं, सभी अपने स्थान पर बैठे रहें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सतीश पूनिया जी हमारे बीच आ गए हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि अपने मंडलों के शक्ति प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रमुख, बूथ अध्यक्ष और जो ये सभी मंडलों के पदाधिकारी, बूथ के पदाधिकारी हमारे बीच में हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच में हैं, माननीय राजेंद्र राठौड़ जी हमारे बीच में हैं, हमारे लोकप्रिय सांसद बालकनाथ जी और हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी हम सबके बीच में हैं। मैं रामहित जी यादव, जो हमारे जिले के नेता नहीं बल्कि राजस्थान के नेता है, दो बार विधायक रहे, मैं रामहित जी यादव से निवेदन करूंगा कि आए और इस उत्साह से भरी हुई कार्यकर्ताओं की फौज को संबोधित करें। यानी रामहित यादव जी, मदन दिलावर जी भी हमारे बीच में आ गए हैं, राजस्थान के नेता। मैं रामहित यादव जी से निवेदन करूंगा कि आए और संबोधित करें। मंच पर अपेक्षित श्रेणी की घोषणा की गई थी। सभी कार्यकर्ता बंधु हैं यहाँ, सभी लोग अनुशासन जानते हैं। कृपया अनुशासन, हमारे अध्यक्ष जी पधार चुके हैं, हमारी प्रदेश की टीम पधार चुकी है। अनुशासन को ध्यान में रखते हुए अलवर जिले के सभी कार्यकर्ता जो इस मंच पर सूची में नहीं है, उनसे निवेदन है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें नीचे और इस कार्यक्रम की सफलता में अपना सहयोग प्रदान करें। संबोधित करेंगे हमारे राजस्थान के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश पूनिया जी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं अलवर जिले की ओर से बाबा भद्री की तपोभूमि पर आप सबका स्वागत करता हूं, सत्कार करता हूं। आप ताली बजा के प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। वर्षों तक छात्र राजनीति के बाद लगातार 35 साल राजस्थान की विधानसभा में विधायक रहते हुए नौजवानों का नेतृत्व कर रहे ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी, ये क्या है नाटक, छात्र जीवन के मेरे सहयोगी आदरणीय अरुण जी, महंत बालकनाथ जी, सभी नेतागण गांव से दूर दराज से पधारे, मेरे किसान भाइयों, अलवर जिले के नौजवान मित्रों, माता बहनों, आज इस मूंगी बहरी सरकार के खिलाफ इस भद्री की भूमि के नौजवान ये शपथ लेने आए हैं कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनाएंगे। ये नौजवान जो 3 साल पहले ठगा गया उसका बदला लेने की ताकत रखता है। ये अलवर जिले का किसान जिसको ऋण माफी के नाम पर ठगा गया, इसको सिंचाई का पानी लाने का वादा किया, इसके ऋण माफ करने की बात कही, आज वो किसान परेशान है, उसके खेत में बिजली नहीं है, उसके बेटे को नौकरी नहीं है। ऐसी हालात में मैं
प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं कि आपने अलवर की भूमि को ये पहली रैली करके इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। अलवर की एक एक कार्यकर्ता आज के बाद आपकी झोली में चुनाव में 11 की 11 सीटें डालेगा और राजस्थान में अलवर जिला पहला होगा जहां कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। मेरी आपसे प्रार्थना है माननीय अध्यक्ष जी, गांव का गरीब आज पानी पीने के लिए महताज है, गांव के गरीब की झोपड़ी में लट्टू नहीं जलता है, सरदार की फोटो में आई है, कोऑपरेटिव बैंक जो बीमा के नाम पर इस किसान को लूट रही है, यहां पर जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, हमारे किशनगढ़ की चेयरमैन तारामणि सिंगल के दोनों पुत्रों पर हमला हुआ, बैरोड के चेयरमैन के रिश्तेदार पर हमला हुआ, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई संदीप दायमा के शोरूम पर सूटों ने गोली चलाई, हमारे बहरोड के प्रत्याशी को गुंडों द्वारा मारने का प्रयास किया। यह निकम्मी सरकार है, इसमें न्याय की अपेक्षा नहीं है, आपको लड़ना पड़ेगा और यह भारतीय जनता पार्टी की सेना आपके पीछे खड़ी होकर के आपसे कदम से कदम मिठाकर मिट बढ़ा करके इस कांग्रेस को राजस्थान के सीट से हटाने का काम करेगी। मैं पुनः आप सब की ओर से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, आदरणीय राजेंद्र जी को, आदरणीय चतुर्वेदी साहब को तहदिल से शुक्रिया करता हूं और कह आश्वास्त करता हूं कि आने वाले समय में ये राजस्थान में अलवर जिला पहला होगा जहां कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। आपने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे लोकप्रिय यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए इतने लालायित है हम सब कार्यकर्ताओं की तरफ से। मैं हमारे जिला अध्यक्ष श्रीमान संजय नरुका जी और बलवान यादव जी से निवेदन करूंगा कैसे हमारे लाडले प्रदेशाध्यक्ष का स्वागत करें जो संघर्ष की मिसाल बने हैं, जिन्होंने 17 से ज्यादा बार आंदोलनों में सहभागी रहकर इस 1.5 साल में 11 बार गिरफ्तारी दी है और हम सब संघर्ष के रूप में उनको जानते हैं। इसे पसीने की बूंद सतीश पूनिया की नीचे गिरी है उससे कमल का फूल खिलेगा, ऐसा पूरा का पूरा माहौल राजस्थान में हुआ है। संजय नरुका जी राजस्थानी साफा पहना के हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सतीश पूनिया जी का स्वागत कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है अपने गांव-गांव से आए हुए कार्यकर्ता ताली बजाकर स्वागत करेंगे। हमारे बूथों के अध्यक्ष, हमारे शक्ति केंद्रों के संयोजक, हमारे मंडल के पदाधिकारी सब उनका स्वागत करें। बलवान यादव जी और इन्होंने हमारे प्रदेश मंत्री श्रीमान महेंद्र यादव जी से निवेदन करूंगा कि आप सांसद बालकनाथ जी का स्वागत, राजेंद्र राठौड़ जी का स्वागत करें। हमारे नेता प्रतिपक्ष राजस्थान की विधानसभा में मंजीत सिंह जी, हमारे विधायक निवेदन करूंगा अरुण चतुर्वेदी जी साहब का स्वागत करें, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, और हमारे संजय शर्मा जी हमारे बालकनाथ जी का स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा हमारे भारद्वाज जी, हमारे जो युवा प्रवक्ता है, निवेदन करूंगा कि आप हमारे भजनलाल जी शर्मा का स्वागत करें, प्रदेश महामंत्री लक्ष्मीकांत जी भारद्वाज दुपट्टा पहना के भजनलाल जी का स्वागत करें। मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि जो हमारे प्रदेश के नेता यहां मौजूद हैं उनके स्वागत में ताली बजाकर उनका स्वागत करें, नारे लगाकर उनका स्वागत करें। भारत माता की, अलवर की धरती से जो संघर्ष का आगाज हुआ है, ये जो पसीने के बूंद कार्यकर्ताओं की आज इस चिलचिलाती धूप में गिर रही है उससे कमल का फूल 2023 में खिलेगा, ऐसा विश्वास दिलाए। मैं हमारे बालकनाथ जी साहब, हमारे जो सांसद है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आए और हमें संबोधित करें। आज जन उनका रैली पे मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश पूनिया जी, मेरे पिता के बहुत समय से लंबे समय से साथी रहे, मेरे आदरणीय चाचा श्री राजेंद्र राठौड़ जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अरुण जी, माननीय बालकनाथ जी, उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण,
विराजमान सभी पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग युवा साथियों, माताओं और बहनों, मैं तो मात्र दो तीन लाइन में अपनी बात रखूंगा। इस सरकार ने जब चुनाव में 2018 के अंदर चुनाव में जब ये सरकार कांग्रेस आई तो उन्होंने एक जन घोषणा पत्र जारी किया। उस जन घोषणा पत्र के माध्यम से इन्होंने वादे किए, चाहे वो किसान कर्ज माफी का हो, चाहे युवाओं को बेरोजगारी भत्ते का हो, चाहे बिजली के बिल का हो, चाहे बिजली समय पर आने का हो, अनेकों वादे कर झूठे वादे कर इस कांग्रेस ने अपनी सरकार यहाँ पर बनाई। पर आज धरातल पे हम सब जानते हैं एक भी वादा जो इनके द्वारा किया गया, चाहे किसान कर्ज माफी हो, चाहे बिजली का बिल ना बढ़ाने की बात हो, चाहे जितने यहाँ पर मेरे युवा साथी को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, एक भी वादा इनके द्वारा पूरा नहीं किया गया। हाल तो अभी अगर बिजली के हालात हम देखें तो पिछले 15-20 दिन से मुश्किल से गांव के अंदर कोई 4-5 घंटे बिजली आ रही है, जबकि इन्होंने सिंगल फेज बिजली का वादा 17 घंटे का किया था। आज इतनी भीषण गर्मी के अंदर गांव-गांव ढाणी-ढाणी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। अगर इनके एक्सीएन एएन एससी साहब से बात करें तो हाथ उठा देते हैं कि साहब हमारे पास कोई योजना नहीं है जिससे कि हम आपके मुंडावर की विधानसभा के लोगों को पानी पिला सके। बात करें कंटीजेंसी प्लान की तो मात्र प्रति व्यक्ति 10 लीटर ये पानी उपलब्ध कराते हैं। मैं आप सभी से जानना चाहूंगा क्या एक व्यक्ति पूरे दिन में 10 लीटर से काम चला सकता है क्या? जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है वहां पर इनके अगर टैंकर के माध्यम की बात करें तो एक गांव के अंदर 5 से 6 टैंकर की बात करते हैं, जबकि वहां पर उपलब्धता कम से कम 20 टैंकर की व्यवस्था की होनी चाहिए। और इसी को देखते हुए अभी 2 तारीख को मैंने मुंडावर पंचायत समिति सभागार के अंदर एक जन सुनवाई रखी। उस जन सुनवाई को देखकर ये इतना घबरा गए कि उन्होंने 3 मई को छुट्टी होते हुए भी पीडीओ को 17 CC का नोटिस दिया, एक तीन सदस्य कमेटी का गठन किया। वो 3 सदस्य कमेटी वहां पर जाकर उसको जांचने गई। उसी दिन छुट्टी वाले दिन वहां पर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने मेरे को एक लेटर दिया, मुझे भी आदेश कि आपने किस तरीके से किस हिसाब से आपने ये जन सुनवाई रखी। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस सरकार ने 3.5 साल में एक भी विकास का कार्य नहीं किया। हमारे यहाँ के मंत्री पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी के समय के अंदर जो कार्य हुए उनके उद्घाटन करके आते हैं। मेरे पिता स्वर्गीय श्री धर्मपाल चौधरी जी के अनुशंसा पर जो विकास कार्य हुए उनके उद्घाटन करते हैं, और जब वहां पर मुंडावर के लोग उनसे विकास की बात करते हैं तो ये कहते हैं भाई तुमने गलती करी 2018 के अंदर, तुमने भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुना, अगर तुम कांग्रेस का विधायक चुनते तुम्हें बहुत सारा विकास मिलता। तो इस मंच के माध्यम से आप सबसे आज निवेदन करना चाहूंगा कि जब 2023 के अंदर हम चुनाव के अंदर जाए तो क्योंकि आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और 2023 के अंदर जब हम चुनाव के अंदर जाए तो भारतीय जनता पार्टी के सभी 11 उम्मीदवारों को आप कमल के निशान का बटन दबाकर यहां से जिताए, जिससे जिस पूर्व की तरह आने वाले समय के अंदर 2023 से 2028 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस एक बार पुनः बनेगी तो विकास की गंगा पिछली सरकारों की तरह वापस बहेगी। आप सभी ने मेरे को सुना और पूरे मंच ने मेरी तरफ ध्यान दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद जय भारत। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित इस विशाल हुकार रैली में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर सतीश जी पूनिया साहब, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्रीमान भजन लाल जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान हिमांशु जी, महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष बहन अलका जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अरुण जी चतुर्वेदी साहब, भारतीय जनता पार्टी के अलवर जिले के जिलाध्यक्ष श्रीमान संजय जी, श्रीमान बलवान जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्रीमान बालकनाथ जी, यहाँ के माननीय विधायक श्रीमान संजय जी, श्रीमान चौधरी जी और मंच पर विराजित सभी महानुभाव और दूर दूर से पधारे हुए सभी यहाँ उपस्थित महानुभाव भाई और बहनों और मित्रों, आप सब लोग माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब को सुनने के लिए पधारे हैं, इसलिए मैं आपके बीच में ज्यादा समय बाधक नहीं बनने वाला हूं। मुझे
दो तीन निवेदन करना है। मुझे सुनकर के आश्चर्य हुआ कि जिले की बेटी मूक बधिर जो नाबालिग है उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उसकी पुष्टि डॉक्टरों ने की, एसपी ने की, जिला कलेक्टर ने की और उसने खुद ने इशारों में अपने बयानों में खुद ने की। तीन चार दिन तक सब ये चर्चा चलती रही, अकस्मात पता नहीं कहां से क्या आदेश आया और चार दिन बाद मुख्यमंत्री कहते हैं उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ और मेडिकल रिपोर्ट और मेडिकल के जानकार कहते हैं सामूहिक बलात्कार के बाद उस बहन के साथ धातु के नकीले औजारों से प्राइवेट पार्ट को भी नुकसान पहुंचाया गया। मैं समझता हूं इस प्रकार का घृण्य अपराध को इस प्रकार से झुटलाना, जनता में गलत प्रचार करना ये राजस्थान का झूठा मुख्यमंत्री कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इससे बड़ा झूठा मुख्यमंत्री इस हिंदुस्तान की धरती पर कोई होगा नहीं, न आगे जाकर के होगा, क्योंकि माता और बहनों की इज्जत के साथ लगातार खिलवाड़ करना इनका काम हो गया है। मित्रों, अलवर जिले के ही राजगढ़ में जो हुआ है नंगा नाच आप सब लोगों ने देखा है। 300-400 पुराने मंदिरों को ढह दिया गया है, लगभग 100 से ज्यादा दुकानों और मकानों को तोड़ दिया गया है और पूरे देश में ये झूठे मुख्यमंत्री प्रचार करते फिर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का एटीएम होगा, भारतीय जनता पार्टी का ईओ था क्या, भारतीय जनता पार्टी की पुलिस थी क्या? ये कहते नगर पालिका थी। हाँ, हमारी नगर पालिका थी, नगर पालिका का प्रस्ताव था जो रोड बन रहा है विकास पथ उसको आगे तक ले जाना है, न उसमें किसी का मकान टूटता था, न किसी की दुकान टूटती थी, न मंदिर टूटता था, लेकिन औरंगजेब, अकबर और मोहम्मद गजनी जैसे आक्रांताओं की तरह इस दुष्ट ने इन मंदिरों को तोड़ा है, भगवान कभी माफ नहीं करेगा। मित्रों, जोधपुर दंगा ये सच है कि दंगा नहीं था, क्योंकि दंगा उसको कहते हैं जो दोनों तरफ से लड़ाई हो, दोनों तरफ से हमला हो, एक तरफ से हमला था और जैसा आज टीवी पर देखना एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो में पुलिस वाले भी कह रहे हैं, सीएजी के मेंबर भी इस बात को कह रहे हैं कि वहां पर प्रसिद्ध क्रांतिकारी बिरसा जी का जो स्टेचू लगा हुआ था उस पर इस्लामी झंडा लगा दिया और जब उसका फोटो खींचने लगे, वीडियो बनाने लगे तो 10-15 लोगों ने उस पर हमला किया, फिर 40 लोग हुए, फिर 200 लोग हुए और फिर 300 लोग हुए और उनको हमला किया, फिर मीडिया वालों पर हमला किया और वो प्रत्यक्षदर्शी कह रहा था मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं 50 लोगों को जानता हूँ, ज्यादा को नहीं जानता, और जो 300-400 लोग थे वो बाहर के थे, लंबे लंबे थे, पता नहीं कहाँ से मंगाए गए थे। एक पुलिस वाला अपना वक्तव्य दे रहा था, वो कह रहा था, उससे पत्रकार ने पूछा ये चूक थी या भूल थी, ये चूक भी नहीं थी ना भूल थी, योजनाबद्ध तरीके से और मस्जिद के अंदर ये योजना बनाई गई और एकदम निकलते ही मुख्यमंत्री जी की योजना के अनुसार वहां के हिंदुओं पर हमला किया, मीडिया कर्मियों को मारा, पुलिस कर्मियों को मारा, तेजाब की बोतलें फेंकी और चाकू चलाए, तलवारें चलाए, माता बहनों कपड़े फाड़े, ये सारा कुछ होता रहा, लंबे समय तक होता रहा, कर्फ्यू नहीं लगाया गया। जब आतंकवादी ये हरकतें करते करते थक गए तब मुख्यमंत्री जी ने वहां कर्फ्यू लगाया गया। मैं कह सकता हूँ
ये आतंकवादी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मंगाए थे, योजनाबद्ध तरीके से हमला मुख्यमंत्री ने करवाया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबंध आतंकवादी समूह से है, इसलिए राजस्थान भर में आतंकवादी बाहर के बुलाकर कुछ यहाँ के शामिल करके और हिंदुओं पर लगातार हमला कर रहे हैं। ये मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। जैसे सभी ने प्रवास किया है और सब कार्यकर्ता यहाँ पधारे हैं, हमारे जो मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी उत्साहवर्धन के लिए आए हैं। हमारी बहन अलका मुंद्रा जी हमारे बीच में है, आप महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं इनका स्वागत करने के लिए पूजा यादव जी से निवेदन करूँगा कि आप स्वागत करें दुपट्टा उड़ा के हमारे सुनीता सैनी जी हमारी महिला मोर्चा के अध्यक्ष, उनका स्वागत करें दुपट्टा उड़ाए। युवा मोर्चा के हिमांशु शर्मा जी हमारे बीच है, मैं यहाँ के निवेदन करूँगा हमारे पवन जैन जी जिला महामंत्री, शिवलाल मीणा जी का आप उनका स्वागत करें। रामोतार चौधरी जी हमारे महामंत्री हैं, महासिंह जी हमारे अलवर उत्तर के उपाध्यक्ष हैं, मैं इनसे निवेदन करूँगा कि आप हमारे राज रिणवा जी का स्वागत करें। आप किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, रिणवा जी का स्वागत करें। हमारे तीनों और हमारे जो अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं सादिक भाई भी हमारे बीच में हैं, मैं हमारे अशोक गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि आप उनका स्वागत करें। हमारे बीच में जो मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष पधारे हैं, आप सबका यहाँ पर स्वागत है। अलवर की संघर्षवान धरती में आप जिस तरह से, मैं निवेदन करूंगा जितेंद्र मीणा जी का स्वागत करने के लिए, प्रमोद जी हमारे मोर्चे के जो जिला अध्यक्ष है यहाँ पे, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और किसान मोर्चा के, उनका स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष भी आप मोर्चा के अध्यक्षों का स्वागत करें। इसी बीच में जो संघर्ष की हमारी हुंकार रैली है, इसको संबोधित करने के लिए मैं हमारे यहाँ के लाडले विधायक और पहले जिलाध्यक्ष रहे श्रीमान संजय शर्मा जी को निवेदन करूंगा कि आए और इस हुंकार रैली को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की जन हुकार रैली के मुख्य आकर्षण राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश पूनिया जी मंच पर विराजमान, विपक्ष में राजस्थान विधानसभा में राजस्थान की जनता की आवाज गुंजायमान करने वाले हमारे नेता आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं का निर्माण किया, आदरणीय अरुण जी चतुर्वेदी साहब, हमारे पार्टी के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय भजन लाल जी, हमारे संभाग के प्रभारी आदरणीय मदन जी दिलावर साहब, हमारे लोकप्रिय सांसद जो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहते हैं, आदरणीय हमारे बालक नाथ जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय संजय नरुका जी, आदरणीय बलवान जी, आदरणीय महेंद्र जी और मेरे छोटे भाई मुंडावर के विधायक आदरणीय मंजीत चौधरी जी और इस मंच पर विराजमान पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय पंडित धर्मवीर जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय ज्ञानदेव जी, आदरणीय अशोक जी अग्रवाल साहब और इस सभा में उपस्थित पूजा के योग मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों और मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, आदरणीय राजेंद्र जी राठौर साहब का, आदरणीय अरुण जी चतुर्वेदी जी का, आदरणीय भजन लाल जी का, आदरणीय मदन दिलावर जी का और मंच पर बैठे सभी नेताओं का और इस सभागार में उपस्थित पूजा के योग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अलवर शहर की धरती पर आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।
और हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, ये वो जिला है जिसमें अलवर जिले से राजस्थान की सरकार में दो दो कैबिनेट मंत्री आते हैं। यदि मैं बांसुर की बात करूं, बांसुर के अंदर मैनपुर ग्राम में एक नाबालिग बच्चा चार महीने तक गायब रहता है, परिवारजन उसके रिपोर्ट पुलिस के अंदर लिखवाते हैं और चार महीने बाद जब उसका कंकाल मिलता है तो पुलिस उसकी जांच के नाम पर उस घटना को दुर्घटना का रूप दे करके उस समाज उस एफआईआर को भी खत्म करने का प्रयास करती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राठौड़ साहब, यदि बांसुर की मैं बात करूं तो भूपसेरा से एक हमारी बहन सुनीता लगभग 3-4 महीने से लगातार गायब रही, परिवारजन भटकते रहे और जब उसकी लाश सिरिस्का के जंगलों में मिली तो जांच के नाम पर डीएनए लेंगे, ये करेंगे। माननीय सांसद महोदय को 45 दिन का उन्होंने आश्वासन दिया लेकिन आज तक वो मुलजिम पकड़े नहीं गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके परिवारजन आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यदि मैं टपुगड़ा की बात करूं, वहीं यो हरीश यादव युवक को मॉब लिंचिंग के माध्यम से मारा जाता है और फिर दुर्घटना का रूप दे करके पुलिस उस मामले को पटाक्षेप करती है। यदि मैं बड़ौदा में थाने की बात करूं तो भटपुरा के हरीश योगेश यादव युवक को मॉब लिंचिंग के माध्यम से मारा जाता है और पुलिस उस घटना को भी दुर्घटना का रूप देती है। यदि मैं मुंह बधिर बच्ची की बात करूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, पड़ोस की विधानसभा के जहां से राजस्थान के कैबिनेट मंत्री आते हैं, 3 महीने से उस बच्ची के परिवारजन सिख समाज के लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं न्याय के लिए। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति माननीय अध्यक्ष महोदय ये है कि राजस्थान विधानसभा में माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के रूप में जब प्रांत का मुख्यमंत्री विधानसभा में ये घोषणा कर दे कि मूक बधिर बच्ची के साथ बलात्कार नहीं हुआ है, दुर्घटना हुई है, इससे अशोभनीय घटना कोई राजस्थान के इतिहास में हो नहीं सकती। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ यदि मैं राजगढ़ की बात करूं, राजगढ़ में जिस प्रकार से 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ा गया, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है अध्यक्ष महोदय कि एसडीएम तहसीलदार हमारे शिवलिंग के ऊपर भगवान महादेव के ऊपर जूते पहन के चढ़ते हैं और ड्रिल मशीन से भगवान की प्रतिमा को उखाड़ते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये कतई बर्दाश्त होने की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो जिले के अपराधों की एक बानगी मैंने आपके सामने रखी है। यदि मैं पानी बिजली की बात करूं, जिस धरती पर आप बैठे हैं अलवर शहर के अंदर, पहले रोज पानी आता था, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन किया और आज स्थिति यह है अलवर शहर के अंदर कहीं 2 दिन में, कहीं 3 दिन में, कहीं 4 दिन में पानी के लिए जनता तरस रही है। और अभी हमारे मित्र पूर्व मंत्री हेम सिंह जी कह रहे थे कि बिजली की कटौती बंद हो गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या बिजली की कटौती बंद हुई है? क्या बिजली की कटौती बंद नहीं हुई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ईद का त्योहार था, 2 दिन बिजली कटौती नहीं हुई और बीच के त्योहार बीत जाने के बाद बिजली की कटौती फिर होने लग गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम सब लोग आपके नेतृत्व में संकल्प लेते हैं कि 11 की 11 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता आज आपके बीच में उपस्थित हैं और आपको हम ये विश्वास देते हैं कि 2023 तो बहुत दूर है, अशोक गहलोत को सद्बुद्धि दे दे भगवान और वो चुनाव की घोषणा कर दे तो आज भी 11 की 11 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल जीत करके राजस्थान विधानसभा में पहुंचेगा। अध्यक्ष जी, आज इन कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर हम सब आपको विश्वास देते हैं कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 11 कमल के फूल जीत करके राजस्थान विधानसभा में पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। लोकप्रिय सांसद बाबा बालकनाथ जी जो हमको साथ तो देते ही है, आशीर्वाद भी देते हैं, मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि बालकनाथ जी साहब को, कि आप आए और इन 11 विधानसभा के लोगों को संबोधित करें, कार्यकर्ताओं का मनोबल। विश्वेश रूपम जगदीश रूपम नरमर कयूपम यतिवर के भूपम संसार सारम त्रेतार पहारम श्रीमस्त नाथम सतम नमामि।
लगाओगे नारा हैं? राबड़ी खा के आए हो, राबड़ी पी के आए हो ना, ठाठा जोर लगा रहे हो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री सतीश पुनिया जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण चतुर्वेदी जी और हमारे सबके लाडले, हमारे मार्गदर्शक और विधानसभा में उपनेता श्रीमान श्री राजेंद्र राठौड़ जी, मदन दिलावर जी, भजनलाल शर्मा जी, विष्णु चेतानी जी, मनीष पारिक जी, संजय शर्मा जी, मंजीत चौधरी जी, संजय नरुका जी, बलवान जी, महेंद्र यादव जी, हेम सिंह बडाना जी, ज्ञानदेव जी, रामेश यादव जी, बनवारी लाल जी, मंगलराम कोहली जी, जयराम जाटव जी, मामन सिंह जी, मोहित यादव जी, सुखवंत जी, विजय जी, रामकिशन मेघवाल जी, संदीप दायमा जी, बाबूलाल मैनेजर जी, रमेश खिची जी, देवी सिंह जी, और विशेष रूप से हमारे बीच में यहाँ पर पधारे जो कि हमारे प्रदेश में मोर्चाओं के अध्यक्ष हैं, हमारे युवा मोर्चा के श्री हिमांशु शर्मा जी, हमारी महिला मोर्चा से अलका मुंदड़ा जी, किसान मोर्चा से हरिराम जी और अल्पसंख्यक मोर्चा से श्री साबित खान जी। सबसे पहले तो मैं अलवर की जनता जनार्दन से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष और उनके साथ पधारे हमारे प्रदेश के नेता और हमारे मोर्चाओं के अध्यक्ष का हम सब लोग हृदय से स्वागत और सम्मान करते हैं कि आपने आज इस अलवर के अंदर, इस ओंकार रैली के अंदर आप सम्मिलित हुए और इस राजस्थान की निरंकुश सरकार को उखाड़ने का संकल्प इस अलवर की तपोभूमि से, इस अलवर के सिंह द्वार से उसका जयघोष कर आने वाले समय पर इस राजस्थान सरकार को पूरे राजस्थान प्रदेश भर से इसको उखाड़ फेंकने का संकल्प आपके माध्यम से यहाँ पर इस तपोभूमि से लिया जाएगा। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि ये वही तपोभूमि है जहाँ भर्तृहरि जी महाराज ने तपस्या की थी। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। भर्तृहरि जी महाराज भगवान गोरक्षनाथ जी के शिष्य बने और उस राजपाट को अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंपा और विक्रमादित्य का काल आप सबको भलीभांति ध्यान है कि वो विक्रमादित्य का ही राजपाट का काल था जब भारत को स्वर्णिम काल कहलाया जाता था, भारत को सोने की चिड़िया कहलाई जाती थी। उसी समय पर पुनः धर्म की स्थापना हुई थी। उससे पूर्व में जो भारत में राज करते थे उन्होंने सनातन धर्म को बर्बाद करने का काम किया था, सनातन धर्म को खत्म करने का काम किया था, लेकिन पुनः सनातन धर्म की स्थापना भर्तृहरि काल में हुई थी। उसी समय हमारे भट्ट मंदिरों का निर्माण बढ़ा था। आज वही दिन को याद करते हुए किसी तपोभूमि से जहाँ राजा भर्तृहरि जी ने तपस्या की थी, आज मैं अलवर की जनता से कहना चाहता हूँ कि यहीं से वो संकल्प लेकर और आने वाले समय पर जिस प्रकार से ये कांग्रेस सरकार आप सब लोग कहते हो, मैं तो इसको कांग्रेस सरकार नहीं कहना चाहूंगा, मैं तो इसको मुगलिया सरकार कहना चाहूंगा। ये मुगलिया सरकार है, इस मुगलिया सरकार के तख्ते को हम सबको मिलकर पलटना होगा। इसके जिस प्रकार का भाव, जिस प्रकार का कार्यक्रम इन पिछले 3.5 वर्षों में इस सरकार के द्वारा संचालित पूरे राजस्थान प्रदेश में किया जा रहा है वो हम सबसे कहीं छुपा नहीं है। आप सब जानते हैं किस प्रकार की भावना सनातन धर्म के प्रति ये कांग्रेस के लोग रखते हैं, क्योंकि कांग्रेस के लोगों में सनातन धर्म संस्कृति का DNA नहीं है, इनके अंदर मुगलों का DNA है। उस DNA को हमको पहचानना होगा और आने वाले समय के अंदर जब राजस्थान की विधानसभा का चुनाव हो, उस चुनाव के अंदर इनका सारा हिसाब किताब हम सबको मिलकर पूरा करना होगा। और इनको राजस्थान में जिस प्रकार से हमारे किसान भाई जानते हैं, अध्यक्ष जी पूर्व में अमेरिका से बीज आया था गेहूं का भी, उस गेहूं के बीज के साथ में खरपतवार का भी बीज आया था जिसको कांग्रेस घास कहते हैं। जानते हैं ना किसान भाई कांग्रेस घास किसे कहते हैं? जानते हैं ना कांग्रेस
विकास किसे कहते हैं? कांग्रेस घास का एक पेड़ भी अगर किसान अपने खेत में देख लेता है, ढोली पर देख लेता है, तो उसको कुचल कुचल कर काट देता है, पैरों से भी कुचलता है, अपने अस्त्र शस्त्र जो फावड़ी होती है उससे भी उसको काटता है, क्योंकि उस कांग्रेस पेड़ से, उस कांग्रेस खरपतवार से फसल तो खराब होती होती है, प्रकृति का भी स्वास्थ्य खराब होता है, मनुष्य का भी स्वास्थ्य खराब होता है। इसी बात से मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, ये जो वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस सरकार बैठी है, इसके अंदर भी मुगलों का डीएनए है। इस डीएनए को हम सबको मिलकर साफ करना होगा, तभी हमारी सनातन संस्कृति और तभी हमारा धर्म स्थापित हो पाएगा और तभी हमारे राजस्थान का विकास आगे बढ़ पाएगा। भाइयों बंधुओं, मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से सरकार ने शासन किया है पिछले 3.5 वर्षों में, लगभग पूरे राजस्थान को बर्बाद करके छोड़ दिया है, पूरे राजस्थान को नीलाम करके छोड़ दिया है। राजस्थान की पहचान थी, राजस्थान अतिथि देव भव के लिए जाना जाता था, राजस्थान की मीठी वाणी, राजस्थान का मीठा सत्कार, दुनिया उसकी चर्चा करती थी, दुनिया उसका सम्मान करती थी, राजस्थान की वीरता का सम्मान करती थी, राजस्थान की संस्कृति का सम्मान करती थी। लेकिन इस वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकलापों से पूरे राजस्थान को लज्जित करने का काम किया है, पूरे राजस्थान की संस्कृति को अपमानित करने का काम किया है। कोई घटना रेप की राजस्थान में होती है, लेकिन लज्जित पूरे राजस्थान का एक एक नागरिक होता है, उसको सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, लोगों की प्रतिक्रियाएं उसको सहन करनी पड़ती है, कि जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं पूरे देश भर से राजस्थान के लिए की जाती है, कि राजस्थान में जंगल राज है, राजस्थान में गुंडा राज है, राजस्थान में तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा मिलता है, इस प्रकार की अपमान की भावना हम सबको सहनी पड़ती है। प्रदेश अध्यक्ष जी, पूरी टीम, आप भी बाहर जाते होंगे, बाहर घूमते होंगे, देखते होंगे, आज राजस्थान को किस नजर से देखा जाता है आप सब लोग जानते हैं। हमें पुनः राजस्थान के उस वैभव को लौटाना है, मौजूदा सरकार को राजस्थान से बाहर निकालना है, क्योंकि राजस्थान की संस्कृति का जो भाव है, राजस्थान के प्रेम सौहार्द का जो भाव है, उसका पूरा देश सम्मान करता है। इस सरकार के क्रियाकलापों से हम सबको अपमानित होने का ये मौका मिला है, हम सबको उस अपमान का बदला आने वाले चुनाव में हम सबको उतारना है। मैं आप सबसे ये भी कहना चाहूंगा, ये तो राजस्थान सरकार है, जिस प्रकार के फतवे मुस्लिम की जो इनकी मस्जिदें होती थी उनसे जारी होते थे, हमने सुना है मुस्लिमों की मस्जिदों से फतवे जारी होते, उन फतवों पर मुस्लिम समाज अमल करता है। आज ठीक उसी प्रकार से गहलोत के निवास से, मुख्यमंत्री आवास से फतवे जारी होते हैं। एक समाज को तो अपनी धार्मिक यात्राओं पर प्रतिबंध लगाया जाता है, हमारे घरों पर धार्मिक ध्वज लहराने पर प्रतिबंध लगाया जाता है, और दूसरी तरफ एक समाज के लोगों को रोजा इफ्तार पार्टी की जाती है, उनको वहां पर जनता की कमाई के पैसे से, इन्होंने अपने घर से पैसा नहीं लगाया। मैं तो आपके अपने नेता प्रतिपक्ष हमारे राजेंद्र राठौर जी से कहना चाहूंगा कि आप विधानसभा में सवाल उठाइए कि रोजा इफ्तार पार्टी में से राजस्थान का कितना पैसा खर्च हुआ है, राजस्थान की जनता के पैसे से उनको फल फ्रूट खिलाए जाते हैं, और उस पार्टी में भी ऐसे ऐसे लोग आमंत्रित होते हैं जो दंगों के मुख्य आरोपी हैं। ये सब हम सबको समझना होगा। एक तरफ ये फतवा जारी करते कि जोधपुर में बिजली नहीं कटेगी, मुस्लिम समाज के जहां लोग ज्यादा रहते हैं, एक तरफ जो हिंदू समाज के लोग रहते हैं उनके मंदिर तोड़े जाते हैं, उनकी संस्कृति को अपमानित किया जाता है। आज राजगढ़ से भी हमारे पुजारी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनकी मांग है कि हमारे शिव परिवार की सभी मूर्तियां वापस लौटाई जाए। हमारे पास केवल कार्तिक जी की खंडित मूर्ति है, हमारा शिव परिवार जिसमें गणेश जी की मूर्ति है, जिसमें पार्वती जी की मूर्ति है, जिसमें नंदी की मूर्ति है, और भगवान स्वयंभू शिव शंकर की जो प्रतिमा है, जो शिवलिंग है, उसको हमको लौटाया जाए। आज भी प्रशासन के पास में वो मूर्तियां नहीं है, कहां गई वो मूर्तियां? क्या आप चाहेंगे नहीं कि वो मूर्तियां हमारे का लौटाई जाए? चाहेंगे नहीं क्या? कहां गई वो मूर्तियां? कहां प्रशासन उनको लेकर गया है? आज तक वो मूर्तियां नहीं लौटी हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, इस सरकार को हम सबको मिलकर करारा जवाब देना है। अनेकों अपराधी घटनाओं के बारे में मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपसे बहुत बातें कही, आप सब लोग जानते हैं। मैं एक ही घटना की बात करूंगा, मुखबंदी बच्ची की, और साथ ही साथ में हमारे जो बांसुर में घटना घटित हुई उसके बारे में।
मुखबंदी बच्चे के साथ जिस प्रकार का अन्याय और जिस प्रकार से उसकी लाचारी का फायदा इस कांग्रेस सरकार ने उठाया है, जनता तो उसका दंड देगी देगी, भगवान भी निश्चित रूप से उसका दंड इन कांग्रेस के लोगों से देगा। जिस प्रकार से भूपसेडा की हमारी महिला के साथ में आज तक उसकी जिस प्रकार से उसको न्याय नहीं मिला, हमने उस समय एसपी महोदय से बात की, गांव वालों ने कहा कि हम सब नहीं लेंगे, हमने बहुत समझाइश कर एसपी ने हमसे कलेक्टर साहब ने हमसे 2 घंटे तक लगातार बात की, हमने कहा कि हम आपके कहने से सब तो ले लेंगे लेकिन इसको न्याय कैसे मिलेगा। एसपी ने हमको कहा, अनेकों तरह के आश्वासन दिए कि हम जांच करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं, मैंने कहा आपके जवाबदेही तय होनी चाहिए, जब तक आपके जवाबदेही तय नहीं होगी जब तक आप इसकी जांच सही से नहीं करेंगे। हमने सब ने मिलकर निर्णय किया कि आप 45 दिन में अगर इसको न्याय नहीं दे पाएंगे तो आप परिवार के सम्मुख जाकर परिवार से माफी मांगेंगे। आज मैं इस सभा से यहाँ की एसपी मैडम से मैं बात कहना चाहता हूँ, उनसे कहना चाहता हूँ कि 45 दिन तो छोड़ो, आज 3 महीने पूरे हो चुके हैं, आप उनके घर जाइए और उसे माफी मांगे, ये राजस्थान सरकार उनसे माफी मांगे और कहे कि हम लाचार हैं, हमसे आज तक आपको हम न्याय नहीं दिला पाए, इनको माफी मांगनी चाहिए उनके पास में जाकर। जब तक इनकी जवाबदेही तय नहीं होगी जब तक ये लोग काम नहीं करेंगे। मुझसे एक पत्रकार बंधु ने पूछा, यहाँ के कलेक्टर भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए, उन्होंने मुझसे पूछा कि देखो क्या स्थिति हुई है, मैंने कहा ये स्थिति कलेक्टर को केवल हाथ है, पैसा लेने का हाथ है, अधिकारी तो केवल हाथ है, इनकी मजबूरी है कि क्योंकि यहाँ के नेता उनको बाध्य करते हैं, उनको मजबूर करते हैं, जेबे तो यहाँ के कांग्रेस के नेताओं की भर्ती है, उनके ऊपर आप डाका डालो तो आपको खजाना मिलेगा, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से शासन चलाया है, इन शासन के अंदर राजस्थान की खनिज संपदा को जिस प्रकार से लुटाया है वो आप सब लोग जानते हैं। विधायकों को खुश करने के लिए सरकार को समर्थन प्राप्त होता रहे इस भाव से विधायकों को जिस प्रकार से औने पौने दाम पर राजस्थान की खनिज संपदा को उनको अलॉट किया गया है, जिस प्रकार से विधायकों का राज आज उनके विधानसभाओं में चलता है, जिस प्रकार की वसूली आज विधानसभाओं में विधायक खुले तौर पर करते हैं, वो सब बातें आपसे छुपी नहीं है। आपसे मैं ये कहना चाहूंगा, इस रैली के माध्यम से हम सबको एकजुट होकर आने वाले चुनाव के अंदर इस सरकार की जड़ों को उखाड़ना है और हम सबको एक धर्म स्थापित सरकार, एक राजस्थान की उन्नति को सोचने वाली सरकार और राजस्थान को आगे ले जाने वाली सरकार, जो क्रम राजस्थान का रहा था विकास के पद का, उसको पुनः आगे बढ़ाना है। भाइयों बंधु, इन 3 सालों के अंदर राजस्थान बहुत पीछे जा चुका है, राजस्थान बिल्कुल खत्म सा इन कांग्रेस के लोगों ने कर दिया है, लेकिन हम सब कार्यकर्ताओं को मेहनत कर राजस्थान को फिर से आगे बढ़ाना है और हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ जुड़कर जो उन्होंने एक विजन देश को दिया है कि आने वाले 25 वर्षों में हम सबको मिलकर भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाना है, उस भाव से हम सबको मिलकर कड़ी मेहनत करनी है। मैं इस अवसर पर यह भी आपसे कहना चाहूंगा कि 75 वर्ष आजादी के हो चुके हैं, ये स्वर्णिम काल हम सब भारतवासियों का है, इस स्वर्णिम काल के अंदर हम सबको उन शहीदों के मुताबिक, उन शहीदों के सपनों के अनुसार, उन शहीदों के अनुसार जिस प्रकार से उन लोगों ने उस समय पर संघर्ष कर हमको आजादी दिलाई थी, आज हमारा मेहनत है, हमारी ताकत है कि उन शहीदों के सपनों को हम सब मिलकर साकार करें और माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों के अनुरूप, अपने सपनों के अनुरूप अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करें, जिसमें ये कांग्रेस सरकार की नीति और इस कांग्रेस सरकार की कूटनीति और इस कांग्रेस सरकार की कुशासन नीति, इन सबको हटाकर और भारत में एकजुटता के साथ में आज उनके साथ कदम से कदम मिलाकर हम सब लोग राजस्थान और पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम करें। आज मैं सब यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्तागण पहुंचे हैं, पूरे अलवर की सभी 11 विधानसभाओं से हमारे वर्तमान पूर्व विधायकों ने, उसके साथ साथ पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत कर इस रैली को सफल बनाया है। मैं आपका सांसद होने के नाते मैं समस्त कार्यकर्ताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं कि आप सबकी मेहनत से ये रैली हमारी सफल हो पाई है और निश्चित रूप से अलवर के सिंह द्वार से एक जयघोष होगा, उस जयघोष के ललकार से इस राजस्थान की सरकार, मुगलिया सरकार का तख्ता हिलेगा और राजस्थान में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनकर राजस्थान को आने वाले समय पर अपने देश के अंदर सबसे समृद्ध प्रदेश बनाने का हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे साथ जोर से एक बार फिर से जयकारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की। धन्यवाद। हमारे संगठन के निर्देश पर लगातार
पूरे राजस्थान का प्रवास करने वाले हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के प्रिय डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी साहब को मैं आमंत्रित करूं कि वो 373 शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। राजस्थान के सिंह द्वार कहे जाने वाले बाबा भर्तृहरि की तपोभूमि इस अलवर में जैसे जैसे गर्मी का तापमान बढ़ रहा था सुबह सुबह, जिराफ की तरह बीच में क्यों आ जाता है, वैसे मैं देख रहा था कि लोगों का जन हुंकार रैली की तरफ आक्रोश भी लगातार बढ़ता जा रहा था। इस आक्रोश रैली को संबोधित करने के लिए जयपुर से पधारे, बल्कि मैं जयपुर की जगह, मुझे ध्यान है कि परसों सुबह जोधपुर का समाचार जब राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी को मिला, कार्यक्रम कहीं और का था, लेकिन जिस प्रकार की घटना जोधपुर में हुई थी उस घटना को लेकर के अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके जोधपुर पहुंचे और जोधपुर से सतत चल के रात को 3 बजे जयपुर आकर जलपुर आकर के इस हुंकार रैली को संबोधित करने के लिए पधारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई सतीश पूनिया जी। राजस्थान की विधानसभाओं में लगातार राजस्थान सरकार के पैरों को झकझोरने वाले, इस सरकार के सिंहासन को हिलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्यक्ष के उपनेता भाई राजेंद्र राठौर जी मंच पर विराजमान, इस क्षेत्र के यशस्वी सांसद महंत बालकनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और इस संभाग के प्रभारी भाई मदन दिलावर जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री भाई भजनलाल जी, मंच पर विराजमान अलवर जिले से हमारे दोनों विधायक भाई संजय शर्मा, भाई मंजीत चौधरी, मंच पर विराजमान पार्टी के अनुवरिष्ठ कार्यकर्तागण और इस सभागार में उपस्थित अलवर जिले के प्रत्येक कोने से आए हुए सम्मानित नागरिकगण, युवा साथियों, मातृशक्ति, आज वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दिन पहले तय किया था कि हम जन आक्रोश रैली निकालेंगे और जन आक्रोश रैली के बाद जिस प्रकार की घटना राजगढ़ में हुई, जिस प्रकार की घटना कठुबर में हुई, उसको देखते हुए अलवर के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की सहमति लेकर के इस अलवर के सिंहद्वार, राजस्थान के सिंहद्वार कहने वाले अलवर से हुंकार रैली की शुरुआत की है। वैसे तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान आज देश में क्राइम के नाते, अपराध के नाते, दुष्कर्म के नाते, साइबर क्राइम के नाते देश में पहले नंबर पर आकर खड़ा हुआ है। उसमें भी अगर देखें तो उसमें सारे राजस्थान में अलवर आज प्रथम स्थान पर आकर खड़ा हुआ है। महिला दुष्कर्म की घटनाएं सबसे अधिक थानाबाजी से घटनाएं शुरू होती हैं और थानाबाजी की घटना को इस राजस्थान की सरकार 5 दिन तक दबाकर रखती है क्योंकि लोकसभा के चुनाव में वोट मिल जाए, और उस श्रृंखला के माध्यम से जब अपराधियों को इस बात का एहसास हुआ कि सरकार किसी प्रकार भी अपराधियों के ऊपर कार्रवाई नहीं करने वाली, अलवर की भूख बधिर महिला के बच्ची के साथ दुष्कर्म तक की घटनाओं ने अलवर को राजस्थान में 1 नंबर पर ला करके शर्मसार करने का काम किया है। केवल इतना ही नहीं है, आज अलवर की बात करें तो अलवर का जो मेवात का क्षेत्र है, उस मेवात के क्षेत्र ने सारे देश का ध्यान आकर्षित किया है। लगातार मंदिरों को तोड़ने की घटनाएं, वहां से नकली दूध की सप्लाई, नकली शराब की सप्लाई, गोकशी की घटनाएं, लगातार लोगों को उत्पीड़न करके मारने की घटनाएं, और एक वर्ग के द्वारा बहुसंख्यक समाज के तप ऊपर जिस प्रकार के अत्याचार अनाचार हो रहे हैं, मेवात क्षेत्र के बड़ी संख्या में गांवों से पलायन होकर के कई गांव पूरी तरह खाली होने की स्थिति में आकर खड़े हुए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश ने तय किया कि जिस प्रकार अलवर आज राजस्थान में क्राइम के नाते से पहले नंबर पर आकर खड़ा हुआ है, वहां से हुंकार रैली की शुरुआत हम करते हुए इस राजस्थान की गूंगी बहरी सरकार को झकझोरने का, हिलाने का, जगाने का काम करेंगे। आज राजस्थान की स्थिति है, हमने देखा है राजगढ़ की घटना को, राजगढ़ में जिस प्रकार से 100 साल से 300 साल पुराने शिवलिंग को तोड़ने की घटना हुई,
मंदिर को तहस-नहस करने की घटना हुई और उस घटना को पुनः बनाने के स्थान पर राजस्थान की सरकार आरोप का स्थान लेने का काम कर रही है। इससे अधिक शर्म की घटना नहीं हो सकती। वहां के पुजारी बैठे हुए हैं, वहां के शिवलिंग और आपके पूरे शिव परिवार को जिस प्रकार से खंडित किया है, वो केवल राज परिवार राजगढ़ का पुजारी परिवार नहीं, सारे राजस्थान का आम जन आक्रोशित है। हमने देखा है करौली की घटना को, जिस प्रकार करौली में हमने देखा कि शांतिपूर्वक रामनवमी का जुलूस निकल रहा था, योजनाबद्ध तरीके से एक धार्मिक स्थल से पत्थरों की बौछार होती है, लोगों को घायल किया जाता है, उसका मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दंगे कराने का काम करती है। मुख्यमंत्री जी एक बार अपने करौली की पुलिस की FIR तो पढ़ लेते, जो FIR कहती है शांतिपूर्ण जुलूस था, प्रोवोकेशन नहीं था, किसी प्रकार की बात नहीं थी, उसके बाद भी योजनाबद्ध तरीके से हटा हुआ, एक घटना नहीं है। दो दिन पहले जिस प्रकार की घटना जोधपुर में हुई है, उसकी विस्तृत चर्चा सतीश जी करेंगे, परसों वहां होकर क्या है, उस घटना ने लगभग बहुसंख्यक समाज में इस बात की धारणा को एक स्थापित करने के काम किया है ये राजस्थान की सरकार। तुष्टिकरण की राजनीति करते करते आज एक वर्ग को कैसे जिंदा रखा जाए और बहुसंख्यक समाज को प्रताड़ित करके लगातार कोने में किया जाए, इस नीति पर लगातार चलने का काम कर रही है। इस हम अगर कहते हैं कई बार कि पूत के पैर पालने में दिखते हैं, ये सरकार जिन वादों को करके आई थी, चाहे किसानों का वादा होगा, युवाओं का वादा होगा, महिलाओं की सुरक्षा का वादा होगा, एक भी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया। राजस्थान का युवा ठगा महसूस करता है, एक एक करके जो परीक्षा वो देता है, अपनी मेहनत करता है, भविष्य के सपने बुनता है, माँ पिता के आंखों में एक आशा होती है कि मेरा बेटा कोई SI बनेगा, RAS बनेगा, कहीं रीट की परीक्षा दे के शिक्षक बनेगा। एक एक परीक्षा में जिस प्रकार पेपर आउट होने काम चल रहा है, एक माफिया के माध्यम से राजस्थान के युवाओं को लगातार उनके सपनों को चकनाचूर करने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। भ्रष्टाचार की चर्चा आज केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं करते, हम इस चौपाल से नहीं करते, खुद सरकार के मंत्री विधानसभा के पटल पर करते हैं, सदन के बाहर इसी पार्टी के सरकार के मंत्री नेता करते हैं, ये हमारे सरकार के मंत्री बरतते हैं, सरकार के नेता बरतते हैं। हालत यह है इस सरकार में जब ACB कार्रवाई करती है और किसी मंत्री के जेब तक गले तक हाथ पहुंचता है, तो मुख्यमंत्री महोदय उसको बचा करके एक पिंजड़े में तोते को जैसे पाला जाता है, पिंजड़े में तोता पाल करके अपनी सरकार के हिसाब से जब जो चाहे बुलाने का काम करते हैं। मैं इतना कह सकता हूँ इस हुंकार रैली के माध्यम से ये शुरुआत है राजस्थान की सरकार को अब जगाने का नहीं, चेताने का नहीं, बल्कि सरकार की विदाई की शुरुआत होगी और इस सरकार की जाने की आज उल्टी गिनती इस अलवर की हुंकार रैली से शुरू करती है। अगर मुख्यमंत्री महोदय आपने और आपके प्रशासन ने कल से जिस प्रकार से प्रवास प्रयास किए हैं, इस रैली में लोग नहीं पहुंचे, चाहे साधनों को रोकने की बात हो, पार्किंग स्थलों को कैसे परमिशन को रद्द करने की बात हुई, उसके बाद भी जिस बड़े पैमाने पर हजारों की संख्या में इस पंडाल में माताएं बहने पहुंचे, मैं आप सबका सिर झुका के अभिनंदन करता हूं और ये आपकी उपस्थिति इस बात को दर्ज कराती है कि सरकार की विदाई का समय तय है, केवल कैलेंडर की तारीख लिखनी बाकी है। आपकी इस बात से ये सरकार जाने का समय तय हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। भारत माता की। हमारी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल का हमारे अलवर उत्तर की महिला मोर्चा अध्यक्ष चित्रा जी स्वागत करेंगी। बहनों ने बहुत उत्साह से भाग लिया है, आपने देखा पूरे जिले से हमारे 2700 बूथों से सब लोगों ने यहाँ पर शिरकत की है। हमारे पिछले 40 साल से राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान की जनता आवाम की आवाज़ बने हुए हम सबके वरिष्ठ नेता श्रीमान राजेंद्र राठौड़ साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आप पधारें और संबोधित करें। आज की हुंकार रैली में हमारे सबको संबोधित करने आए भारतीय जनता पार्टी के गतिशील प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य सतीश जी पूनिया साहब, अभी अभी जिनका भाषण आपने सुना, प्रदेश के कुशल संगठनकर्ता पूर्व अध्यक्ष अरुण जी,
मंच पर विराजे मदन जी लावर साहब, भजन लाल जी, भाई संजय जी, बलवान जी, विधानसभा में मेरे साथी संजय शर्मा जी, मंजीत जी, हमारे हरौल दस्ता के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु जी, भाई नलका जी, हरिराम जी, साबिर जी, और आज इस कार्यक्रम में इस चिलचिलाती धूप में इस गूंगी भैरी निरुपद्रव सरकार को ललकारने आए रात की धरती से गांव गांव ढाणी ढाणी से आए हुए मजबूत कार्यकर्ताओं, शक्ति सुप्रा माताओं और बहनों, अलवर की धरती को कहा जाता है कि राज की धरती है और राज की धरती के लिए कहते हैं कि ना राज रवे ना राज माने। और इसके साथ एक बात ये भी जुड़ी है कि यहाँ किसी समय में पांडवों ने अज्ञातवास किया था। ये महाभारत की बुनियाद तब डली थी जब दुर्योधन का हाथ द्रौपदी के आंचल की ओर गया था। और राजस्थान में कांग्रेस से महाभारत की बात, महाभारत का शुभारंभ हम इसी धरती से इसलिए कर रहे हैं, आज सुबह से शाम होती है हमारी 18 अबलाओं का, बहनों का, हमारी बेटियों की इज्जत लूटी जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, सरकार के आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं। आज राजस्थान के अंदर और विशेष तौर पर जब आंकड़े ये कहते हैं पूरे देश में पिछले साल जितने बलात्कार हुए उसमें 22% बलात्कार अकेले राजस्थान की धरती पर हुए, हमें शर्म आती है। मैं संजय शर्मा जी आपका भाषण सुन रहा था, मैं आपके लोक लाडले सांसद बालकनाथ जी के मन की आवाज सुन रहा था। इस इलाके की कहानी इन दोनों की जुबानी से सुन रहा था, क्या बीता होगा जब एक लापता बालक का नरक अंकाल मिलता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सिख समाज के उन जाबाज लोगों को जो आज लंबा समय गुजर जाने के पश्चात भी एक बेटी जो बोल नहीं सकती उसको न्याय दिलाने के लिए धरने पर यहां बैठे हैं। घटना का जिक्र मुझसे पहले मदन जी ने, दिलावर साहब ने किया। आज का पुलिस महकमा यह बता नहीं सकता घटना क्या हुई थी, क्यों हुई थी। मैं समझता हूं, मुझे बड़ा अफसोस है, मैंने समाचार पत्रों में रामगढ़ में बारिश मेव का वो कारनामा पढ़ा, एक नाबालिग बच्ची के साथ धर्मांतरण करवा के निकाह कराया गया। ये वारिस मेव कांग्रेस की वारिस की औलाद है जिसके द्वारा इस तरह के कुकर्म किए जाते हैं। भाइयों, हालात बड़ी बद से बदतर है। हरीश जाटव के मॉब लिंचिंग की बात करें, योगेश जाटव की मॉब लिंचिंग की बात करें, थाना गाजी से जो घटना प्रारंभ हुई थी एक विवाहिता का उसके पति के सामने सामूहिक बलात्कार, उसके बाद में वीडियो वायरल होता है, मानवता शर्मसार हो जाती है, सर शर्म से झुक जाता है। हमने सोचा था कि शायद सरकार चेत जाएगी जब विधानसभा को हमने चलने नहीं दिया था, पर जो घटनाओं का जिक्र करूं तो लंबा समय लग जाएगा। अभी हमारे भाई बैठे हैं, जिस प्रकार राजगढ़ के अंदर हुआ 300 साल पुरानी हमारी आस्थाओं को जिस प्रकार कुचला गया, और मैं समझता हूं कि भगवान शिव को त्रिनेत्र देव भी कहते हैं, ये त्रिनेत्र देव कि तीसरी आंख खुलेगी। मैं जुम्मेवारी से कह रहा हूं
राजगढ़ की घटना में भगवान शिव का तीसरा नेत्र यहीं से खुलेगा और इस सरकार को भस्म होना पड़ेगा। कौन सी पुलिस की बात करें हम, कौन सी पुलिस की बात करें हम? मैंने अखबारों में पढ़ा अध्यक्ष जी एसपी ऑफिस के सामने हेड कांस्टेबल खड़ा है, बदमाश आते हैं उसका मोबाइल छीन कर ले जाते हैं, गांव के अंदर चोपाकनी में और सिमल खुर्दा में अपराधी को पकड़ने पुलिस जाती है, पुलिस खुद पकड़ी जाती है, अपराधियों से पिटाई खा कर आती है। ये राजस्थान की कानून व्यवस्था है। और मुझसे पहले भ्रष्टाचार का जिक्र किया, ये नन्नू मल जी पहाड़िया का नाम पहाड़बल होता तो बड़ा अच्छा रहता, कितने भले आदमी है, खुद भी रिश्वत ले ली और आने वाले कलेक्टर की भी सुपारी ले ली। जय हो इनकी, वाह क्या कहने। और भ्रष्टाचार के आरोप में आपकी सभापति पकड़ी जाती है, कार्यवाहक सभापति आते हैं। और दुर्भाग्य देखो राजगढ़ के अंदर जिस व्यक्ति ने प्रस्ताव रखा था उसी को कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया गया। और इसीलिए तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो सर्वे किया राजस्थान को भ्रष्ट प्रदेश माना था। मैं समझता हूँ चाहे कठुम्बर में गौशाला तोड़ने की मामला हो, चाहे जौहरी लाल जी का वो जौहर हो, जौहर लाल जी का जो सबसे बड़ा जौहर है अपने पुत्र को नाबालिग की बलात्कार से बचाने के लिए एक जौहर उन्होंने किया, ऐसे दरिंदों को ज्यादा समय तक हम छोड़ने वाले नहीं। मैं मेरी बात को जल्दी समाप्त करूंगा, बाकी बातें प्रदेश अध्यक्ष जी कहेंगे, पर अध्यक्ष जी मुझे अफसोस इस बात का है, राज्य के मुख्यमंत्री का ये बयान कि जोधपुर और करौली में दंगा नहीं हुआ, करौली के अंदर आपने मेरी अगुवाई के अंदर एक समिति बनाकर भेजा था, पुलिस की एफआईआर जिसका जिक्र अरुण जी ने किया, वो एफआईआर खुद ये कहती है कि शांतिपूर्वक जुलूस जा रहा था, षड्यंत्र पूर्वक अचानक हमला होता है, राम रथ को तोड़ा जाता है, भगवान राम की तस्वीरों को पैरों तले कुचला जाता है, दुकानें जलाई जाती है, 27 लोग घायल होते हैं, दो कार्यकर्ताओं के पीठ में चाकू लगता है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं करौली का दंगा दंगा नहीं। जोधपुर आप जाकर आए हैं, जोधपुर में आज भी 10 थानों में कर्फ्यू लगा है, इंटरनेट बंद पड़ा है, 24 लोग घायल पड़े हैं, 2 लोग मनोसंग पड़े हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यह दंगा नहीं है। गहलोत साहब मैं भी कानून का विद्यार्थी हूं, इंडियन पेनल कोड में देख रहा था धारा 146 के अंदर अनलॉफुल असेंबली और उसके बाद में हिस्सा दंगे की श्रेणी में आते हैं, ये गहलोत पेनल कोड अलग से बना है। गहलोत पेनल कोड में दंगाई को बिल्कुल क्लीन चिट देने का काम हो रहा है। और मैं तो यही कहूंगा कि जिस प्रकार का वातावरण बना है, अगर मुझे कहे बचपन में सुना करते थे अंधेरी नगरी चौपट राजा, अंधेरी नगरी आज राजस्थान के अंदर सारे शहर अंधेरे में डूबे पड़े हैं, शहरों में रात में बिजली गायब है, और राजा चौपट नहीं होता तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में नेशनल क्राइम ब्यूरो यह नहीं कहता कि महिला दुष्कर्म में राजस्थान पहले पायदान पर, अनुसूचित जाति जिनके लोगों ने इस सरकार को सत्ता में पहुंचाने के लिए सर्वाधिक सहायता की थी उस अत्याचार में दूसरे नंबर पर, अनुसूचित जनजाति में तीसरे नंबर पर। और अब आपने पीएफआई के बारे में सुना होगा, पीएफआई एक ऐसा संगठन है जिस प्रकार का सिमी का संगठन है, मुख्यमंत्री जी को न जाने क्यों उससे मोहब्बत हो गई, उन्होंने कहा कि कोटा में रैली करेंगे इजाजत दे डाली। पीएफआई का प्रदेश अध्यक्ष कहता है कि राजस्थान में अप्रैल के माह में दंगे होंगे, दंगे होने चालू हो जाते हैं। आज राजस्थान के किसान के कर्ज के लिए मुझे कुछ कहना नहीं, बहुत बड़े बातें कह चुके हैं पहले,
और मैं जुम्मेवारी से कह रहा हूँ, राजस्थान में 18 लाख किसान जिन्होंने नेशनलाइज बैंक से कर्जा लिया था, सरकार ने बार बार वादा विधानसभा में किया, आज उनकी जमीनें नीलाम हो रही है। राजस्थान में सर्वाधिक बेरोजगारी है, ये अंधेरी नगरी चौपट राजा का कमाल है। और राजस्थान में दौसा की वो घटना, हमने परसों परले रोज वहां प्रदर्शन भी किया, एक विवाहिता अपने ससुराल से अपने मायके जाती है, बीच में अगवा कर ली जाती है, सामूहिक रेप होता है, उसकी हत्या की जाती है, तेजाब डालकर जलाया जाता है, पुलिस उन बलात्कारियों को नहीं पकड़ते, उस बबला का भाई पकड़कर पुलिस के सुपुर्द करता है, इससे बड़ा नाइंसाफी कुछ हो नहीं सकते। मैं तो अंत में यही कहूंगा, ये सारी बातें यह हुंकार यहाँ से भरी है, आप सब लोग इस तपत में इस गर्मी में आए हैं, इस गर्मी को अपने कलेजे में समा के जाना, इस सरकार को सुबह करना है। हमें महात्मा गांधी जी का वो सपना जो उन्होंने जंग आजादी के बाद ये कहकर कहा था कब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, वो सपना अब अशोक गहलोत पूरा करके जाएंगे। और मैं जुम्मेवारी से कह सकता हूँ, जिस प्रकार चेचक के लिए पहले कहा करते थे चेचक का रोगी बताओ 1000 रुपए इनाम पाओ, आने वाले समय में कांग्रेस का विधायक बताओ 1 लाख रुपए इनाम पाओ, ये स्थिति बनती जा रही है। आप सब लोग आए, आपका धन्यवाद देते हुए संघर्ष का ये केसरिया बाघ हम पहन कर निकले हैं, जा बाद लोग अब सड़क की लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को नाकों से नहीं दबा के दिखाएंगे। आप सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अब हम उनको आमंत्रित करने जा रहा हूँ जिन्होंने संघर्ष की नई मिसाल लिखी है, जो कार्यकर्ताओं के लोकप्रिय तो है ही, उन्होंने कार्यकर्ताओं के संघर्ष में कंधे से कंधे मिलाकर और पुलिस के डंडे तक खाए, जो अपने संघर्ष में सबसे आगे रहे, 17 आंदोलनों में सहभागी रहे और 11 बार गिरफ्तार हुए, ऐसे जिन्होंने कोरोना का पैरेलल वो षडयंत्र चलाया, और माननीय मोदी जी ने जिनके स्वागत में धन्यवाद कहा, जिनको मोदी जी ने बढ़ाई करी और राजस्थान का धन्यवाद दिलाया, ऐसे माननीय सतीश पूनिया जी हम सबको संबोधित करेंगे। अभी मैं आपके गले की प्रैक्टिस देख लेता हूं कितनी है। मेरे पीछे बोलना, मैं आपके गले की ताकत देख लेता हूं कितनी है। बोलिए भर्तृहरि बाबा की, भर्तृहरि बाबा की, भारत माता की, वंदे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, सारे नेता जिंदाबाद, जनता जनार्दन जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद, श्री अमित शाह जिंदाबाद। हाँ, ये ठीक याद दिला दिया मुझे कि हम लोग इसलिए आए हैं, मेरे पीछे एक नारा और लगना, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद, गहलोत सरकार होश में आओ, गहलोत सरकार होश में आओ, डूब मरो भाई डूब मरो, डूब मरो भाई डूब मरो। सम्मानित मंच यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति, अरे सुनो भाई, आ गया, उपस्थित मातृशक्ति, सम्मानित बुजुर्गों, अलवर की किसान सरदारी और नौजवान भाइयों, अभी मेरे से पहले
जितने मंच पर उपस्थित वक्ताओं ने अपनी बात आप लोगों के बीच में कही है, मैं मंच का सम्मान करता हूं और आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं कि अलवर के इस सिंह द्वार पे इतनी बड़ी संख्या में अलवर की किसान सरदारी ने हुंकार भरी है और आपका ये धूप का पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा। 2023 में ये कांग्रेस की विदाई को तय करने की शुरुआत है। आज सिंह द्वार से ये सिंहनाद और आपकी हुंकार केवल अलवर तक नहीं है, आपके नारों की गूंज दिल्ली में, आपके नारों की ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक भी पहुंची है और जिनके कुर्सी के पाए हिलने वाले हैं उस सोनिया गांधी की भी धड़कन बढ़ गई है। इसलिए कार्यकर्ता साथियों, मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। अरे गला बचा के रख, थोड़ी देर में भी वापस लगवाऊंगा नारे। अभी जितने वक्ताओं ने खूब सारी बातें कही हैं, सरकार के खिलाफ कही हैं, सरकार कैसे काम करती है उसका आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण रखूंगा, आपको आनंद आएगा। हिंदी के एक हास्य कवि हैं शैल चतुर्वेदी जी, उन्होंने अशोक गहलोत जैसी सरकार के लिए खूब लिखा कि एक नए नए बने मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा, जैसे टीकाराम जुली जी बड़े ना, एक नए नए बने मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा आज कार में चलाऊंगा, ड्राइवर ने कहा हुजूर मैं उतर जाऊंगा। एक नए नए बने मंत्री ने ड्राइवर से कहा आज कार में चलाऊंगा, ड्राइवर ने कहा हुजूर मैं उतर जाऊंगा। ये कार है सरकार नहीं जो भगवान भरोसे चल जाए। मित्रों, इस सरकार का कुछ धनी दोरी नहीं, कुछ अता पता ही नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे अंधा आदमी पाटे पे बैठा हो, ऐसी सरकार अशोक गहलोत चला रहा है। अलवर की किसान सरदारी नौजवान भाइयों, मैं मेरे साथी लोगों का बीच बीच में उल्लेख करूंगा, सरकार कैसी होती है, नेता कैसा होता है, सरकार कैसी चलती है। रूस और यूक्रेन का रुद्ध के युद्ध के बारे में आप सबको जानकारी है, दोनों तरफ भीषण बमबारी थी, 25,000 लोग हिंदुस्तान के फंसे हुए थे। मेरे क्षेत्र के राठौड़ साहब के, सब लोगों के क्षेत्र के मेडिकल के विद्यार्थी भी फंसे हुए थे। देश के प्रधानमंत्री को चिंता थी, पड़ोसी देशों में चार चार मंत्री भेजे, वायुसेना के विमान भेजे, लेकिन उन विद्यार्थियों को, हिंदुस्तान के उन लोगों को रोमानिया, हंगरी और पोलैंड के बॉर्डर पर तो खुद की जोखिम पर ही आना था। मेरे क्षेत्र में एक मेडिकल का विद्यार्थी जब लौट कर आया तो मैंने पूछा तुम सकुशल हंगरी के बॉर्डर पर कैसे पहुंचे, उन्होंने कहा जो आप सब लोगों को ताकत देने वाला, ऊर्जा देने वाला और प्रेरणा वाला किस्सा है। उसने कहा हिंदुस्तान के लोग इकट्ठे हुए, हम सारे विद्यार्थी, एक कपड़े का टुकड़ा लिया, उस पर तिरंगा पेंट किया, तिरंगे को रंगा, उस तिरंगे को लेकर जब सड़क पर निकले तो एक चमत्कार देखा, रूस ने भी गोलीबारी रोक दी, यूक्रेन ने भी गोलीबारी रोक दी और 25,000 लोग हिंदुस्तान में सकुशल आ गए। मित्रों, सरकार ऐसी होती है, नेता ऐसा होता है, साख ऐसी होती है, रुक जा भैया बाद में करना, साख ऐसी होती है, नेता ऐसा होता है और देश के स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए हम सब का सौभाग्य है कि देश में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के स्वाभिमान को ऊंचाइयां दी। यहां मंच पर जिन बातों का जिक्र हुआ, बाबा बालकनाथ जी सांसद महोदय भी कह रहे थे कि आजादी के 75 साल हो गए, 75 सालों की आजादी में 55 साल तक कांग्रेस पार्टी को राज करने का अवसर मिला मित्रों, लेकिन 55 वर्षों में नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, मनमोहन सिंह जी, इनकी सरकारें रही, लेकिन इतिहास गवाह है
कि हिंदुस्तान की तरक्की के लिए अलवर के किसी गांव की सड़क को जोड़ने का काम किसी ने शुरुआत की और आज हम सब का सौभाग्य है कि उनकी शुरुआत की हुई 70,000 किलोमीटर सड़कें राजस्थान में अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की है। यहां पर बहुत संख्या में किसान भाई बैठे हैं। किसानों की हिंदुस्तान की आजादी के बाद जो सबसे बड़ी सहूलियत थी वो किसान क्रेडिट कार्ड थी। अटल जी कहते थे शहर के व्यक्ति के बटुए के में क्रेडिट कार्ड होता है, किसान टुकुर टुकुर देखता है, उस किसान को देकर ताकत देने का काम उस किसान क्रेडिट कार्ड ने किया। हिंदुस्तान के बारे में जब लोग कहते थे हिंदुस्तान कमजोर हो गया, उस समय अमेरिका और यूरोप की छाती पर 3-3 परमाणु के विस्फोट करके हिंदुस्तान को ताकत देने का काम हुआ था। मित्रों, ये माताएं बहनें बैठी हैं हिंदुस्तान में, गांव की उस दशा में देखिए, जब कोई माँ और बहन किसी गांव में अंधेरा होने का इंतजार करती थी, उसकी सुरक्षा को खतरा था, सम्मान को खतरा था, स्वास्थ्य को खतरा था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से ऐलान किया और 10 करोड़ शौचालय बनकर इन मातृशक्ति की सम्मान की रक्षा उन्होंने की। आज बैंक का खाता आसान लगता होगा, लेकिन 44 करोड़ बैंक के खाते, उज्ज्वला की योजना किसी कांग्रेस पार्टी की देन नहीं थी। इंदिरा आवास के नाम पर न छत थी, न खिड़की थी, न दरवाजे थे। हिंदुस्तान के 3 करोड़ लोगों को, राजस्थान के 15 लाख लोगों को छत देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, देश में बदलाव शुरू हुआ और आप लोग यहां सब लोग पैदा होने से लेकर जन्म से लेकर मरण से लेकर मरण तक भगवान राम की महिमा का गुणगान करते हो। एक वो सरकार है जो शिव मंदिर पर 300 साल पुराने शिव मंदिर पर बुलडोजर चलाती है और एक योगी की सरकार है। आप फर्क देख लीजिए, एक योगी की सरकार है जो ऐसे लोगों पर बुलडोजर चलाती है जो मंदिर को तोड़ते हैं, जो किसी अबला को छेड़ते हैं। उस योगी की सरकार की प्रेरणा से आज आप सब लोग देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में भगवान राम की मान महिमा का मंडन किसने किया। उस अयोध्या में भगवान राम की पवित्र भूमि पर 500 वर्षों का संघर्ष, लाखों लोगों का बलिदान, कभी तो लगता था ये सपना पूरा होगा कि नहीं होगा। मित्रों, मंच पर बैठे और सामने बैठे लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कार सेवा का अवसर मिला होगा। मुझे भी 2 बार भगवान राम की उस कार सेवा में जाने का अवसर मिला। मैं गौरव कर सकता हूं, आप गर्व कर सकते हो, भगवान राम की उस पवित्र पावन भूमि पर भव्य मंदिर के शिलान्यास का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। अलवर के किसी चौपाल पर बैठा हुआ, अलवर की चौपाल पर बैठा हुआ, क्योंकि यह धरती सैनिकों की धरती है, अलवर का किसान जब धरती पर हल चलाता है उसका पसीना धरती पर गिरता है, तो यह अलवर से लेकर राजस्थान की धरती अन्नपूर्णा बनती है। अलवर के किसी किसान के घर में पैदा हुआ 36 कौम का बेटा, जाति कुछ होगी लेकिन जब सीमा पर खड़ा होता है उसका खून गिरता है, तब इस भारत माँ की आन बान शान की रक्षा होती है। और इसलिए आप कभी चर्चा करते थे कि क्या कोई माई का लाल पैदा होगा जो कश्मीर के आतंकवादियों में नकेल डालेगा, इनकी छाती पर तिरंगा गाड़ कर दिखाएगा। आप ही चर्चा करते थे 370 खत्म हो जाए तो आतंकवादियों को जवाब मिल जाए। जी हां, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने 370 खत्म करके कश्मीर की घाटी में तिरंगे का मान किया। मित्रों, 40 महीने से राजस्थान में भी सरकार काम कर रही है। मित्रों, हिंदुस्तान में भी कांग्रेस पार्टी ने बरसों राज किया, लेकिन मैं जो बातें गिनाई उसमें कांग्रेस पार्टी का एक भी अंश नहीं। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर, मजहब के नाम पर वोटों को बांटने का काम, वोट की राजनीति का काम किया, सहूलियत का काम नहीं किया। और मदन दिलावर जी भी ठीक कह रहे थे
कि राजस्थान में ये दो दंगों की शुरुआत हुई है उसमें पीएफआई जैसी आतंकवादी संस्थाओं का हाथ है जिन्होंने राजस्थान को दंगिस्तान बना दिया, और इसके लिए कोई दोषी है तो राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। मित्रों, क्या हालत है कानून व्यवस्था की? हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे पीसफुल स्टेट, शांतिपूर्ण प्रदेश कोई था तो राजस्थान था। 7 लाख से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए और एक साल का आंकड़ा कहता है कि सबसे ज्यादा अपराध कोई हुए तो महिलाओं और दलितों के प्रति हुए, अलवर की धरती पर हुए। मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि ये कार्यक्रम जयपुर में कर सकते थे, जोधपुर में कर सकते थे, उदयपुर में कर सकते थे। मैंने कहा कि जिस धरती पर सबसे ज्यादा खून गिरा, जिस धरती पर अबलाओं की चीखें हैं, जिस धरती पर हरीश जाटव और योगेश जाटव जैसे निर्दोष लोगों की हत्याओं का कलंक सरकार के माथे पर है, जो मेवात आज चुनौती बना हुआ है, जो मेवात आज उन आतंकवादियों का, अलगाववादियों का, दंगाइयों का क्षेत्र बना हुआ है, उस अलवर की धरती से देशभक्त लोगों ने, उस अलवर की धरती पर समर्पित और मजबूत किसानों ने, उस अलवर की धरती के नौजवानों ने कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने के लिए संघ द्वार से यह ऐलान किया है। और इसलिए किसान भाइयों, नौजवान साथियों, मुझे अच्छे तरीके से ध्यान है, कांग्रेस पार्टी के एक अंतर्राष्ट्रीय नेता वो अलवर भी आए थे, मैं उनका एक वीडियो देख रहा था। वीडियो देखते देखते भीड़ में से किसी का नाम पुकारा कि खड़ा हो जा, क्या नाम है तेरा? उसने कहा रूप सिंह नाम है मेरा। अलवर के पास सभा जी राहुल गांधी मालाखेड़ा में सभा में अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने खड़े करके पूछा कि बोलो क्या नाम है तेरा? उसने कहा रूप सिंह। रूप सिंह की नौकरी पक्की। अब अपना रूप सिंह अभी तक जूतियां घिस रहा है, 3 साल हो गए रूप सिंह को, तो नौकरी तो छोड़ो, उसकी दरखास्त लेने के लिए कोई तैयार नहीं। वही राहुल गांधी जी वो जालौर की सभा में गए, पोखरण की सभा में गए, जयपुर की सभा में आए, अजमेर की सभा में आए, उन्होंने कहा 10 तक गिनती गिनूंगा, और मालाखेड़ा में भी कहा भला आदमी है झूठ नहीं बोलता, 10 तक गिनती गिनूंगा, राजस्थान के सारे किसानों का सारा कर्जा माफ हो जाएगा। एक बार तो मेरे को भी झटका लगा, मैंने कहा ये काम तो भगवान कृष्ण भी नहीं कर सकते थे, ये अवतार कहां से ले लिया भाई? 1200 दिन हो गए, सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या कर ली। श्री गंगानगर के, रायसिंह नगर के, ठाकरी गांव के किसान सोनलाल कडेल ने एक लाइव वीडियो जारी किया, जिंदा वीडियो जारी किया, सबके सामने अपनी आत्महत्या की, और ये कहा कि मैं कर्जे से तंग आकर आत्महत्या कर रहा हूं और मेरी हत्या का दोषी कोई है तो राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। 9000 से भी ज्यादा किसानों की जमीनें कुर्क हो गई, 70 लाख नौजवानों ने परीक्षा दी, 1 लाख को नौकरी देंगे, 69 लाख का क्या होगा बताया ही नहीं। भ्रष्टाचार की स्थिति है मित्रों कि हर 32 किलोमीटर पर एक अफसर पकड़ा जाता है, और जैसे आप होटल में खाना खाने जाते हो वो रेट लिख बताता, आप दाल फ्राई के 60 रुपए, भिंडी के 80 रुपए, टमाटर की सब्जी के इतने, ऐसे एक मेन्यू कार्ड बना हुआ है भ्रष्टाचार का कि राजस्व महकमे में इतने देने पड़ेंगे, पंचायती राज में इतने देने पड़ेंगे, पुलिस में इतने देने पड़ेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, इस मेन्यू कार्ड को राजस्थान की पुलिस के अधिकारियों ने भी कहा ऐसा होता है। मित्रों, अस्पताल बीमार हो गए, स्कूल लाचार हो गए, पानी और बिजली के लिए सब लोग त्राई त्राई कर रहे हैं, और ऐसे में अशोक गहलोत जी के पास कुछ बचा नहीं। आपने उनका एक भाषण सुना होगा, उन्होंने कहा कि मेरा इस्तीफा सोनिया गांधी के पास पड़ा है। मित्रों, मैंने सोनिया गांधी जी को निवेदन किया है आप सबकी तरफ से,
कि आपने इतने दिनों तक हिंदुस्तान में 70 साल की राजनीति में आपके खानदान ने देश पर कोई उपकार नहीं किया। 55 साल तक देश को लूटने के अलावा, दंगे के अलावा कुछ नहीं किया। एक भला कर दो, ये जो इनका इस्तीफा पड़ा हुआ है उसको खड़ा कर दो, स्वीकार कर लो, राजस्थान का भला हो जाए। हम लोग इस सिंह द्वार में इसलिए आए मित्रों, मेरे सभी साथी आपके सामने आए, पिछले कई दिन से आदरणीय राठौड़ साहब, आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी, भाई लक्ष्मीकांत जी, आप सब लोगों को प्रेरित कर रहे थे कि इस ओंकार रैली में आइए। मदन दिलावर जी, भजनलाल शर्मा जी, संजय शर्मा जी, नरुका जी, बलवान जी, हमारे मोर्चों के सभी अध्यक्षगण, हरिराम जी, बहन अलका जी, हिमांशु जी, जितेंद्र मीणा जी, हमारे जितने पार्टी के सभी प्रमुख पदाधिकारी हैं, हमारे विधायक और पूर्व विधायक हैं, उन्होंने बड़ा परिश्रम करके, क्योंकि मुझे बराबर जानकारी मिली कि मंजीत भाई, हमारे जयराम जाटव जी, रामहित यादव जी, संजय शर्मा जी, बनाराम जी, हमारे रामकिशन जी, हमारे सुखवंत जी, ज्ञानदेव आहूजा जी, इस यज्ञ में जिनको जितने परिश्रम की आहुति देनी थी सबने परिश्रम किया। और मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा, नाम तो बहुत है, कुछ छूट भी सकते हैं, मामन सिंह जी बैठे हैं, हमारे मंगलराम जी बैठे हैं, खींची साहब बैठे हैं, बनवारी सिंगल भी, पंडित धर्मवीर जी का तो आशीर्वाद शुरू से ही है, और हमारे हेम सिंह भड़ाना जी, विजय मीणा जी, मोहित यादव जी, कोई बारात में नाम छूट नहीं जाए भाई, देवी सिंह जी, महेंद्र यादव जी, घनश्याम गुजर जी, मंगलराम कोड़ी जी, अशोक अग्रवाल जी, तो एक काम करो, कोई नाम छूट जाएगा तो हरियाणा की तरह मेरा कुर्ता खींच देंगे, तो इनके सम्मान के लिए जोरदार ताली बजा के दिखा दो एक बार, जोरदार ताली सबके लिए। एक अच्छा नवाचार किया राठौड़ साहब ने, अरुण चतुर्वेदी साहब ने, और बाबा बालकनाथ जी ने भी उसमें सहमति दी, और अपने बाबा जी एक बार आदेश देते तो अपन टालते नहीं। ज्ञापन देने जाना था सरकार को, सरकार का नुमाइंदा कलेक्टर, मैं अभी ज्ञापन पढ़ा और मुझे अच्छा लगा, हमें अशोक गहलोत की सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, आपको है क्या? नहीं है। अशोक गहलोत सरकार को ज्ञापन देने जाना था कलेक्टर को, है छुट्टी मोड़े थे, अभी तो कलेक्टर छुट्टी पे, थोड़े दिन बाद कांग्रेस परमानेंट छुट्टी पे जाने वाली है। ये जो ज्ञापन देना था कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री को देना था, लेकिन मंच की राय ये बनी है, आप सब लोगों की राय हो तो ये ज्ञापन हम आपको ही सुपुर्द करेंगे, जनता जनार्दन को सुपुर्द करेंगे। 12 सूत्री मांगे हैं, राजस्थान के किसानों की, कानून व्यवस्था की, भ्रष्टाचार की, बेरोजगारी की, इन सब बातों को समाहित करते हुए जनता को हम ये ज्ञापन सौंपते हैं, आप सब लोगों को सौंपते हैं। ये ज्ञापन अलवर जिले के एक एक गांव में, एक एक बूथ तक जाना चाहिए, ये जनता के हाथ में जाना चाहिए। जनता तक ज्ञापन पहुंचेगा तो मुझे लगता है कि कांग्रेस मुक्त होने में बहुत ज्यादा देरी नहीं होगी, 2023 का दिन वो होगा। मैं आप सब लोगों के चेहरे, आपका उत्साह, आपका पसीना, भारतीय जनता पार्टी के लिए आपका समर्पण, ये देखकर, ये समझकर मैं भरोसा कर सकता हूं कि आज सिंह द्वार पर ये सभा करने का निर्णय उचित ही था। सिंह द्वार की ये हुंकार 2023 में अलवर जिले से और पूरे राजस्थान से कांग्रेस की परमानेंट विदाई कर देगी। राजस्थान कांग्रेस मुक्त होगा, भारतीय जनता पार्टी के राज में लोक कल्याण के जो काम होते थे वो सारे काम स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी से लेकर वसुंधरा जी के शासनकाल में
अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर मोदी जी तक देश और प्रदेश में जो लोक कल्याण के काम हुए थे वो एक बार फिर से राजस्थान की धरती पर उतरेंगे, ऐसा मैं मानता हूं, भरोसा करता हूं। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए, मैं देख रहा था जब मैं आया था तो ये पूरा पंडाल भरा था, पूरी सड़कें अलवर की भरी थी। आप चिंता मत करिए, इसकी पूरी खबर पक्ष को और विपक्ष को दोनों को है। लेकिन ये रैली, ये जनहुंकार रैली मुझे लगता है कि राजस्थान में इतिहास रखने का इतिहास रचने का ये पहला पड़ाव है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप में वो ताकत है, वो ऊर्जा है कि आप लोग अच्छी अच्छी सत्ताओं को बदल सकते हो। आपका परिश्रम एक एक कार्यकर्ता का इस राज को सबक सिखाने की ताकत रखता है। और इसलिए मित्रों, जब हम उछलते हैं तो आसमां उछलता है, जब हम उछलते हैं तो आसमां उछलता है, जब हम मचलते हैं तो तूफान मचल उठते हैं। हमें बदलने की कोशिश न कर जमाने, जब हम बदलते हैं तो इतिहास बदल उठते हैं। अलवर की सभा से इतिहास को बदलने का समय आया है। आप सबके चरणों में एक बार फिर से विनम्र प्रणाम। इस सभा के लिए जिन लोगों ने जितनी मेहनत की, टेंट से लेकर पेंट तक, सबको मेरा सलाम, धन्यवाद। भारत माता की। ये सभी कार्यकर्ता बड़ी शांति से अपनी गाड़ियों में बैठकर अपने अपने स्थान को जाएंगे। अध्यक्ष जी, एक संशोधन जो हम चाहते हैं कि ये ज्ञापन पहली बार राजस्थान में जनता जनार्दन के नाम से है, तो जनता का वो व्यक्ति जो अपने पुरुषार्थ से मेहनत करता है, और उस ऐसे व्यक्ति को हमें इस ज्ञापन को आपके माध्यम से सौंपना चाहते हैं। जनता का प्रतिनिधि मानते हुए अंतिम छोर में खड़े हुए उस व्यक्ति को, उस मजदूर को, इसके लिए मैं चाहूंगा कि उस बात को उसको ज्ञापन सौंपा जाए।